स्पेशल है ना, 2 मैंने दिया नहीं है, मैं बोला 100 सबमिट करता हूँ। चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 5। फाइव, एक्स रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलो पॉइसन 1 देन प्रोबेबिलिटी एक्स इज इवन। अच्छा तो क्या सीरीज का ही सम तो कुछ हाँ आएगा? सर, सिर्फ इवेंट का टर्म लेना पड़ेगा ना इसमें, तो मैंने लिया था तो ई आंसर नहीं आया, नन ऑफ दिस आ रहा था। बाकी लोग यस सर, डी आएगा। सर सेम सेम सेम। ठीक है ना? ठीक है, मतलब वही है जो भी है सबका वैसे ही होगा, तो सीरीज बनेगा वो तो मिस्टेक है, मतलब सर को बताओ फिर, है ना? सो रिपोर्ट डी आंसर इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8। एट, अ बाउल कंटेन्स 10 चिप्स नंबर्ड 1 to 10 रेस्पेक्टिवली। 5 चिप्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन एट अ टाइम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, 5 चिप्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन एट अ टाइम विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब 1 by 1 5 निकाले बिना रिप्लेसमेंट के, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 इवन नंबर्ड चिप्स आर ड्रॉन एंड दे अकर्ड ऑन इवन नंबर ड्रॉ। ओके, तो बता रहा है कि 2 इवन नंबर आया और दोनों इवन नंबर ऑफ ड्रॉ पर, लाइक सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे आया, यही ना? जहां समझ आ रहा मुझे, प्रोबेबिलिटी दैट द 2 इवन नंबर चिप्स आर ड्रॉन, तो इवन नंबर के जो चिप्स हैं वो ड्रॉ हुए होंगे और किस पोजीशन पे, तो इवन नंबर ड्रॉ पर, लाइक 5 ड्रॉज यू डिड ना, 5 चिप्स आर ड्रॉन, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सो इसमें क्या दिक्कत है, मतलब इसमें क्या आंसर नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा, करना क्या है? तो समझ में नहीं आया। समझ नहीं आया, देखो। सो फुल लेंथ टेस्ट स्पेशल, फुल लेंथ टेस्ट 2, अलग, ये टेस्ट नंबर 16 है ना, तो इसमें 8th है क्वेश्चन कि तुमने 5 ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5। ओके, सो लेवल लिख दो 1 2 3 4 5, 5 ड्रॉज यू मेड। सो सेकेंड और फोर्थ ड्रॉ पे इवन ही आने चाहिए, कितने तुम्हारे पास कार्ड है टोटल? 10 तक, ठीक यस सर, है ना? यस सर। तो टोटल आपके पास, मतलब कार्ड बोल देता हूँ, चिप्स बात वही है, सो 10 कार्ड्स आर देयर एंड 5, 1 by 1 यू आर ड्रॉइंग 5 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 इवन नंबर चिप्स आर ड्रॉन एंड दे अकर ऑन इवन नंबर ड्रॉज, या सो देखो पहले इसी की बात कर लेते हैं, तो बताओ 2 पे क्या पॉसिबिलिटी है, कितने चॉइसेस हैं 2 के लिए सेकेंड पोजीशन पे इवन, सर 5 by 10। है ना? 2 4 6 8 10। सो इस पे टोटल, अभी समझते हैं, तो इसमें टोटल पॉसिबिलिटी है 5। ओके, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है? सर 4 रह जाएगी क्योंकि विदाउट 4, क्योंकि रिप्लेसमेंट विदाउट करना है। रिप्लेसमेंट है। यस यू आर राइट। अब आते हैं इधर, इस पे कितनी पॉसिबिलिटी है? सर 5। तो एक्चुअली बोला है, तेरा समझते हैं, 5 चल रहा है दिस, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 इवन नंबर चिप्स आर ड्रॉन। अच्छा, 2 ही इवन नंबर चिप्स आ रहे हैं ना, ये कहना चाह रहा है, और वो भी इवन पोजीशन पे ही आ रहा है, बाकी पे नहीं आ रहा है, मतलब 2 इवन नंबर, अगर मान लो किसी और पोजीशन पे इवन नंबर का चिप्स आ गए, इसका मतलब है कि 3 इवन हो जाएंगे या 4 इवन हो जाएंगे, तो मतलब बाकी पोजीशन पे इवन नंबर चिप्स नहीं आएगा, है ना? सो इट मीन्स कि चलिए यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी है, आप क्या बोले, 5, 5 वो वाला 1 3 5 7 9 वाला, इनमें से कोई एक आ सकता है। व्हाट अबाउट दिस 4 और यहाँ पे 3। 3। ओके, सो इसका प्रोडक्ट कर लो। अब टोटल पॉसिबिलिटी कितनी थी? टोटल कितनी थी? 10 की पावर 5,
टेन 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 मतलब पांच बार, और यहाँ है फाइव इंटू फाइव इंटू फोर इंटू फोर इंटू थ्री। क्या इससे आंसर आ रहा है आप लोग का? सर 10 into 9 into 8 ऐसे होगा सर, जो कि विदाउट यस 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 यू आर राइट। हाँ सॉरी, सो हमने मैंने जो 10 के बार 5 क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं विद रिप्लेसमेंट काउंट कर लिया, बट यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट एक्चुअली। तो क्या करना है, सो यू हैव 10 चॉइस हियर इन द फर्स्ट 9 8 7, एक्चुअली ये आएगा 10 पी क्या वैसा कुछ आएगा, अगर उसमें लिखना चाहूँ तो मैं 4 है ना ऐसा कुछ शायद, 10 पी 4 आएगा, 10 पी 5 ये आता है क्या, 10p5 सॉल्व करेंगे तो चेक करो 10 9 8 7 6। अच्छा नहीं ये नहीं आ रहा, तुमने क्या सोचा? तो वो उसका अलग है ना वो, अरे एक मिनट मैंने गलत लिखा ना, 6 तक होगा ना फिर तो वो, हाँ वही बोल रहा हूँ, यहाँ एक मिस हुआ है, एक मिस हुआ ना नीचे डिनोमिनेटर में अभी तक, यस सर? नो यस सर। हाँ सो वो ठीक है, तो यहाँ एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया, एक्स्ट्रा लिख दिया, सो Is it fine now? ये मतलब ये सही लिखा ना, so मतलब वही बात है, ठीक है। So इससे आंसर आएगा या नहीं आ रहा है, जिन लोगों ने सॉल्व किया है चेक कीजिए। सर जी सर एक बार ये रिपीट कर दो ऊपर वाला। हाँ ओके, पहले तो ये बताओ इस आंसर आ रहा नहीं आ रहा, रिपीट तब करेंगे जब आंसर आएगा। सो चेक करो भाई बाकी लोग, पहले सो सिंपलीफाई करो कितना आता है और ऑप्शन देखो क्या है। ये 5/126 कह रहे हैं, चेक करते हैं क्या आता है, सिंपलीफाई करो इसको, कैंसिल करो पहले, ये ऊपर है 5/5/443 है ना, तो 5/126 सब लोग अपना अपना कैलकुलेशन करो फिर देखो क्या आता है। अच्छा अच्छा सर, अरे कोई रिक्वेस्ट डिनाई क्यों कर रहा है कोई? हाँ सर, फर्स्ट ड्रॉ में कौन सा नंबर का निकलेगा उस पे डिपेंड करेगा ना सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का चॉइस, वन एट ए टाइम दे रखा है क्वेश्चन में। अगर फर्स्ट में अगर इवन नंबर का निकल गया तो फिर सेकंड में हमारे पास चार ही चॉइस बचेगा, लेकिन इवन 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 नहीं निकलेगा ना क्योंकि हमें फेवरेबल केस काउंट करना है। अच्छा सो व्हाट यू आर सेइंग, बट हमें तो फेवरेबल केस में वहां ऑड ही चाहिए मुझे फेवरेबल केस में। यस सर, मतलब मुझे ऑड ही चाहिए वहां पे क्योंकि वो फेवरेबल नहीं होगा फिर, तो हमें फेवरेबल काउंट करना है। ठीक है तो फर्स्ट में हमने ऑड 5 में से कोई एक ऑड ले लिए है ना, 5 ऑड है उनमें से कोई एक ऑड ले लिए। अब सेकंड पे इवन ही आएगा क्योंकि मेरा फेवरेबल केस, मैं फेवरेबल केस की प्रॉब्लम निकाल रहा हूँ तब फेवरेबल के बारे में सोचूंगा। तो ये 5 चॉइस है, कोई भी इनमें से एक आ सकता है इवन में से 5। ओके अब इस पे फिर बाकी जो ऑड बचे, एक ऑड फर्स्ट पोजिशन पे आ चुका है तो बाकी जो ऑड बचे उन 4 में से एक ऑड थर्ड पोजीशन पे आ सकता है, फोर्थ पे इवन ही चाहिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है तो इवन ही चाहिए, तो मतलब यहाँ जो एक ऑड सेकंड पोजीशन पे आ चुका है तो बाकी जो 4 इवन बचे हुए हैं, इवन इवन है ना, सेकंड पोजीशन पे एक इवन आ चुका है तो बाकी इवन जो बचे हुए हैं वो फोर्थ पोजीशन पे कोई एक आएगा, देयर आर 4 चॉइसेस देयर, और फिफ्थ पोजीशन पे ऑड ही आएगा क्योंकि दो ही इवन चाहिए आपको, सो यू कैन नॉट है ना अफोर्ड 3 इवेंट्स। सो यहाँ पे फिर 3 मतलब बचे आपके पास है 3 ऑड्स, सब दो ही ऑड नहीं चाहिए सर, ऑड ये इवन कितना भी हो सकता है। अच्छा यहाँ इन्होंने ऐसा कहा था जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, सी अगर फर्स्ट पे इवन आ गया तो अब कितने इवन हो जाएंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड फोर्थ पे इवन आ गए कितने इवन हो गए, 3 हो जाएंगे ना, लेकिन यहाँ तो इसने ये कहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 इवन नंबर चिप्स आर ड्रॉन एंड दे अकर ऑन इवन नंबर्स नंबर ड्रॉज, मतलब आपने 5 ड्रॉ किए, 5 में 2 इवन होंगे और वो भी 2 कहाँ होंगे, इवन पोजीशन पे होंगे। यही तो ए ऑप्शन ही तो आया, आपने उधर 8/126 लिख दिया था। नहीं नहीं आपने किसी ने कहा था? हाँ सर ये 5/126 आ रहा है।
हाँ मतलब आप में से किसी ने 8 बताया था शायद, शायद जो मैंने सुना था उसे लिख दिया, तो आप कैलकुलेशन करो 8 है मतलब ये 5/126 फाइनल आंसर है। अभी बताओ हाँ जी मेगा आपको डाउट था क्लियर हुआ यस सर क्लियर है जी, बाकी लोग और को बताओ और इसमें कोई डाउट, ठीक है हाँ जी राहुल क्लियर है ना। यस सर। सो नेक्स्ट बताइए ट्राई करते हैं। सर 17th अ डार्ट, ये डार्ट क्या डाई होगा, थ्रोन एट रैंडम हिट्स अच्छा डार्ट ही होगा ये क्या इंग्लिश कोई वर्ड होगा क्या ये कुछ है हाँ। सो थ्रोन हालांकि हमें नंबर से मतलब है ना इन सब वर्ड से मतलब तो है नहीं बस समझना है। सो थ्रोन एट रैंडम हिट्स अ स्क्वायर टारगेट ओके स्क्वायर टारगेट तो स्क्वायर है। Assuming that any two parts of the target of equal area are equally likely to be hit, okay. The probability that the point hit is near to the center, the probability that the part ये हर ज्वाइन कर पाएगी नहीं अभी तक क्यों जी कौन डिनाई कर रहा है हो गया ना ठीक। सो सो यहाँ पे क्या है द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट हिट इज नियर टू द सेंटर देन एनी एजेस एनी एज ओके इज दिस where a b c d are integers and what is a plus b plus c plus d okay अरे भाई ये तो इंग्लिश पहले समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में इंग्लिश का क्या ये near the center near the edge क्या है भाई देखो सो ये कहना चाह रहा ठीक है ना। सो अ डार्ट थ्रोन एट रैंडम हिट अ स्क्वायर टारगेट ठीक है चलो ट्राई करके देखते हैं। सो लाइक कोई स्क्वायर टारगेट है ना ये मान लेते हैं इस तरह से। सो अब ये कहना चाह रहा है किसी ने सॉल्व किया किसी का आंसर आया इसमें आप में से सर प्रोबेबिलिटी तो 1/2 आ रही थी पर ये बीच में ए बी सी डी कैसे निकलेगा ये समझ नहीं आया यूनिक नहीं आ रहा था ना सर ये हाँ वो तो इस सर बट 1/2 नहीं आएगा जहाँ तक मुझे लगता कुछ ऐसा ही आएगा 2 फॉर एग्जांपल 2√3 + 5/10 लाइक दिस समथिंग लाइक दिस इस तरह कुछ आना चाहिए ओके okay, देखते हैं कोई बात नहीं क्वेश्चन का फॉर्मेशन ठीक होगा। कई बार क्या होता है सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बदलते बदलते ना वो जो पेपर बना रहा है वो गलती कर देता है कई बार ऐसा भी तो टेंशन नहीं लेना है तो ट्राई करना है जो होगा मतलब तो अपनी तैयारी का भरोसा रखो क्वेश्चन नहीं हो रहा समझो गलत है मतलब एग्जाम भी नहीं तो अभी तत्काल ऐसे सो क्या मतलब तुम्हें लगे कुछ ब्रांड क्वेश्चन है तो उसमें कुछ मिस्टेक हो सकते हैं ना स्पेशली हमारे टेस्ट में तो बहुत गलतियां हैं और हर जगह होती हैं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हमने कंडक्ट किया है ये फर्स्ट टाइम ही था मतलब वेबसाइट पे थोड़ी बहुत गलतियां रही हैं जो नेक्स्ट टाइम ठीक हो जाएंगी। तो इसमें क्या है कि इसने कहा कि आपने बीच से चलो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ठीक है टू पार्ट्स हो गए इक्वल एरिया के जैसे ये कहना चाह रहा है। So a dart thrown at random hits a square target assuming that any two parts of the target of equal area are equally likely to be hit ठीक है half of probability है each area को hit करने की है ना तो e1 e2 मान लो इस तरह से है e1 first part e2 second part like this the probability that the point hit is near to the center than any edge अब इसका क्या मतलब हुआ हिट इज नियर टू द सेंटर देन एनी एज सो वही समझ में नहीं आ रहा सर मतलब जैसे मान लीजिए कि चलो जैसे ये है एज अगर मैं पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट मान लो ये हो गया सर सेकंड पार्ट सर वहां पे लिखा है कि एनी टू जी सर वहां पे लिखा है कि एनी टू पार्ट्स तो मेरे ख्याल से वो ये कहना चाह रहा है कि जो पूरा एरिया है वो यूनिफॉर्म होगा क्योंकि लिखा है सर एनी टू पार्ट्स ऑफ द टारगेट ओके सो एनी टू पार्ट हाँ ठीक है एनी टू पार्ट तो लिखा है
ओके यूनिफॉर्म है तो मतलब आप ये कह रहे हो कि यूनिफॉर्म ले लेंगे तो हाफ हाफ, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट हिट इज नियर टू द सेंटर, तो दो पार्ट है ना, नियर टू द इसमें सेंटर। फेवरेबल रीजन बीच में एक स्क्वायर बन जाएगा, ओके देन मतलब एनी एजेस, ओके फाइन, चलो इसमें कुछ ऐसा बना लेते हैं। सो लाइक सर्कल बनेगा, सर्कल ऑफ व्हाट रेडियस, ठीक है तुम दो पॉइंट ले लिया, मैं दोनों अलग अलग बना लेता हूँ मैं, सपोज दिस पार्ट और दिस पार्ट, ठीक है ना, एनी टू पार्ट बोला है ना, मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज अ सर्कल, तो अब ये एक तुम्हारा स्क्वायर है, मतलब ये सेंटर हो गया, अब इसमें क्या करना है आपको, क्या रेडियस होगा, ये कितना लेंथ था, लेंथ तुम तो बताया नहीं, डायमेंशन तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, तो क्या पता बाद में कैंसिल हो जाए, सो हम कुछ ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल तुम यूनिट ले लो कोई दिक्कत नहीं, या ए ले लो बाद में कैंसिल हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यू टेक साइड ए, ए तो यू नोटेशन यूज है तो कुछ और ले लो, ठीक है ना, कोई नहीं वन ले लो कोई दिक्कत नहीं, सो ये हाफ ये हाफ, अभी वन ले चलते, स्क्वायर विथ वन साइड, यूनिट स्क्वायर है, सो ये हाफ हाफ है ना इस तरह से, सो नियर द सेंटर देन द एज, ठीक है उसे ट्राई करते हैं, तो रूट कैसे आएगा, अच्छा आंसर इसका क्या डेसिमल में है, एग्जैक्ट है, ओके सो ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं, मतलब मुझे भी क्लियर नहीं है तो इसको छोड़ दो, क्योंकि समझ नहीं आया करना क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट हिट इज नियर द सेंटर, किसका सेंटर, इसमें तो स्क्वायर है तो कुछ सर्कल हो सकता है, ओके देन एनी एज है ना, इज दिस, सो ठीक है मान लो बीच में हमने स्क्वायर बना लिया, सो दिस इज एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर यूनिफॉर्म लेके चल रहे हैं हम, सो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम काउंट काउंट करें, सो लाइक हाफ इनटू, अगर इसमें आया तो हाफ इसका हाफ है ना, हाफ इसका एरिया तुम ले लो, ये 1/4 हो गया, सो पाई इनटू 1/4 स्क्वायर प्लस हाफ इनटू पाई 1/2 स्क्वायर, इस तरह से, सो फाइनली क्या ही है यहाँ, तो कुछ ऐसा मेरा आंसर आ जाएगा फिर 5/4 टाइप का, तो इससे क्या मिला, ओके सर एरिया को दो पार्ट में डिवाइड नहीं करना होगा दे सिंगल सर्कल ले, सर, सिंगल स्क्वायर। हाँ ठीक है सिंगल स्क्वायर, उसके बाद उसके बाद सारे चार मिड पॉइंट्स को ऐड करके एक स्क्वायर बनेगा। चार मिड पॉइंट को ऐड करके स्क्वायर बनेगा, ओके तो मैं कैसे बनाऊं, ये तुम कहना चाह रहे हो इस तरह से, यस सर। ओके सर देन अब कोई भी पॉइंट इस रीजन के अंदर वो सेंटर के पास होगा। ओके ठीक है, हाँ यहाँ है मान लो सेंटर, फिर अब स्मॉल वाले स्क्वायर में कोई भी पॉइंट सेंटर के पास होगा विद कंपैरिजन टू द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर्स। ओके तो बताओ इसका एरिया कितना आता है, अब यूनिट लेके चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बाद में डिवाइड ही करना है तो यूनिट ले लो कोई दिक्कत नहीं, यू टेक यूनिट स्क्वायर, अगर तुम ए रेडियस कुछ ले लो, फॉर एग्जांपल मैं साइज अगर एक्स भी ले लूं तो x/2 है, तो उससे बाद में वही होगा कैंसिल हो जाएगा एक्स एक्स, सो यू जस्ट कंसीडर वन, ठीक है अब बताओ अगर वन है इसका, सो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस पोर्सन, ये तो बता सकते हो ना, ये तो रिजल्ट होता है,
जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये तुम्हें बता सकता हूँ ना, ये वन है तो ये भी वन है, तो ये 1/2 हो गया। मतलब बताओ क्या क्या होता है। डायगनल ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? डायगनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ, √2 टाइम साइड। ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर में, किसी स्क्वायर में डायगनल, डायगनल लिखा हूँ, क्या बोलते हैं उसे, हाँ, लेंथ ऑफ डायगनल इज, क्या ये फॉर्मूला है, सही है गलत है, उनको याद है कि नहीं? साइड इज, हाँ सर यही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आ गया, इसे 1/√2 ले लो, ठीक है। तो ये डायगनल क्या दे रहा हूँ मैं, ये वन है और अपॉन √2 जाएगी ना साइड, ईच साइड कितना आया, 1/√2 इसका, ओके, इसका एरिया कितना हो जाएगा फिर, 1/2 अपॉन वन, ऐसे यही तुम्हारा 1/2 कह रहे थे तुम्हें निकाला था, ओके, ये मैंने एरिया निकाला है इन साइड जो स्क्वायर है उसका अपॉन टोटल एरिया ऑफ दिस, कुछ और भी रहता बाद में वही कैंसिल होकर आता। ये फॉर्मूला एक बार चेक करना पड़ेगा तुम्हें, स्क्वायर में क्या होता है लेंथ ऑफ डायगनल, ये पहले कभी ज्योमेट्री में पढ़ा था मैंने, बहुत पहले। सो ये सही था फॉर्मूला, सही हाँ सर। ना? ओके, लेकिन आंसर तो नहीं आ रहा, ठीक है इसको स्किप कर दो, छोड़ दो, कुछ गलत होगा। ये सर को पूछना क्या आंसर है, आंसर तो ऐसे 4 दे ही रखा है, लेकिन कैसे 4 है, सो कैसे 4 है इसका आंसर, फिर 18 ठीक है देखते हैं आगे। कोई बात नहीं, इस तरह क्वेश्चन छोड़ देना टेस्ट में, एग्जाम में जो शुरू में हवा ना लगे उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, पहले पूरा पेपर करो उसके बाद फिर आराम से दिमाग लगाओ। सो ना, तुम्हें टारगेट क्या रखना है, 70-80 मार्क्स का तुम ढंग से करो, काफी है। एटीन, ओके, तो लास्ट टेस्ट में मुझे दिख रहा था कुछ आया था शायद इस तरह कुछ, वो थोड़ा डिफरेंट था सर। हाँ पूछा कुछ आ रहा था, मतलब डाटा कुछ इस तरह से ही था। ओके, सो अब आपसे C1 है 1/4 से हाफ है, ओके, इंटरवल है एक C1, C2 इंटरवल है हाफ से 1 इंक्लूडिंग हाफ, C है 0 to 1, ओके, और जो प्रोबेबिलिटी उस इंटरवल की है 1/8 1/2, ओके, तो कुछ ऐसे यूनिफॉर्म सा दिख रहा है कि यूनिफॉर्म है। सो पूछ रहा है कि C1 यूनियन C2, तो क्या दिक्कत है इसमें, दोनों डिसजॉइंट है, हाफ है, हाफ पे मास कितना है, तो क्या दिक्कत है इसमें, दिक्कत क्या है इसमें सर, एक बार ना इसका जो सॉल्विंग का जो फॉर्मूला है वो लिख दीजिए बस, क्योंकि सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ हो गई थी शायद, इसलिए क्रॉस चेक करने के लिए। चेक कर लेते हैं, ठीक है, यस, तो मैं लिख देता हूँ 18 जो है, जैसे एक तो आपके पास क्या है यहाँ पे C1 इंटरसेक्शन C2 एक पॉइंट है, पर लग रहा है उस पर कोई मास होगा नहीं, जैसे मुझे दिख रहा है तो वो जी कॉमन कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे बस तुम्हें एक को यूज करना है, C1 यूनियन C2 वाला फॉर्मूला आप जानते हो, प्रॉपर्टी ऑफ C1 प्लस प्रॉपर्टी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, ये यहाँ 0 हो जाएगा, आई थिंक सम हो जाएगा। दूसरा जैसे यहाँ पे चाहिए आपको C1 कॉम्प्लीमेंट, तो यू नो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 वो हो जाएगा। सर क्वेश्चन में ही जो जो फर्स्ट वाला जो टर्म है और जो लास्ट वाला है वो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, तो वैसे ही कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा, ओके, सो लाइक ये है कि अगर मैं लास्ट टर्म को खोलता हूँ C1 यूनियन C2 का होल कॉम्प्लीमेंट है, दैट इज द 1 माइनस दिस, तो कैंसिल कर दिया, ओके, मतलब जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, यस, तो दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, दोनों का सम 1 हो गया, हाँ सम 1 हो गया, और बीच वाला है 1 माइनस, हाँ फिर तो इजी हो गया, और बीच वाला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट C1, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट C1, C1 में पता है 1/8 है, तो हो गया उससे, ठीक है जी, तो जस्ट आंसर हो गया 1 + 1 - 1/8, 2 - 1/8, ठीक है।
और सम पूछ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, सम 15 बाई 8 चलेगा, तो 2 माइनस 1 बाई 8 हो गया, ओके ठीक है, नेक्स्ट बताइए। सर 20 सर 19 ओके वन मिनट, 19 में क्या है, x1 x2 xn वी रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 थीटा, y बराबर समेशन xi है, तो कह रहा है क्या ये समेशन xi सफिशिएंट है, तुम उसको एक्सपेंड करके देखो, समेशन xi आता है सर, इसका समेशन x स्क्वायर आता है, एक्चुअली वो मैं तो लिखने में मिस्टेक किया, उसने xi स्क्वायर लिखना चाहिए, तो बी ऑप्शन होगा ना, हाँ हाँ उसने मिस्टेक किया होगा, स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही होगा, अभी के लिए अगर क्वेश्चन करेक्ट मान के सॉल्व करते हैं तो हाँ फिर तो ये इज अ नॉट कंप्लीट सफिशिएंट है ना, तो नॉट हो जाएगा, फिर ये मेरा रहा वाई लिखने में गलती किया इसमें, वाई समेशन xi स्क्वायर के लिए चेक करके देखो, समेशन xi स्क्वायर के लिए तो सफिशिएंट हो जाएगा पर कंप्लीट नहीं होगा सर, रिपोर्ट कर दीजिए, हाँ सर रिपोर्ट कर दीजिए, सर जी सर ये कंप्लीट क्यों नहीं होगा, हाँ सर कंप्लीटनेस वाला एक बार बता दीजिए ना, मतलब सफिशिएंसी तो फिर भी हो जाती है, कंप्लीट थोड़ा प्रॉब्लम, कंप्लीटनेस का एक तो तरीका है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन निकालो इसका, सो लाइक चलो सब वाई समेशन एक्सआई है, ठीक है तो समेशन एक्सआई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, आया आईडिया ना, 0, n थीटा, हाँ 0, n थीटा, अब नॉर्मल 0, n थीटा में तुम बताओ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, x कंप्लीट होता है नॉर्मल के लिए, मतलब सिंपली सोचो नॉर्मल 0, थीटा ही है, तो क्या x जो है अगर t अगर मैं x ले लूं तो क्या x कंप्लीट होता है फॉर थीटा, कैन वी से, बाकी लोग बताओ, नो सर, यहाँ एक्सपेक्टेशन क्या है t का मुझे बताओ आप, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x हियर इस केस में, जीरो, क्या t हमेशा जीरो होगा, डू यू हैव नो सर सिक्योरिटी ऑफ t बीइंग जीरो ऑलवेज, नो T may not be zero. That's why it is not complete. Definition लगा रहा हूँ मैं. Definition क्या कहता है? कि अगर expectation T का zero है, तो T को zero ही होना पड़ेगा with probability one. मतलब surely it has to be zero. Identically zero. But यहाँ जरूरी नहीं है. T may take any other value, but still meaning zero. Same logic यहाँ पे. जो आपका question में है, summation xi है. ये है normal 0, n theta, right? अब आप expectation of T निकालो. कितना आएगा? Zero. क्या हमेशा रैंडम सैंपल का अगर मुझे ऑब्जर्व्ड वैल्यू दिया होगा सो क्या ये समेशन एक्स हमेशा जीरो होगी ऑलवेज, नो सर इट मे नॉट बी, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंप्लीट, ठीक है डेफिनेशन, सो टी इज नॉट कंप्लीट, कंप्लीट तब होता जब एक्सपेक्टेशन जीरो है, दैट स्टैटिस्टिक हैज टू बी जीरो विद प्रोबेबिलिटी वन, ठीक सो इसमें कंप्लीट नहीं है, डेफिनेशन डेफिनेशन अगर अपन डेफिनेशन यूज कर लेते हैं जब अपन फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज करते हैं, अगर अपन इसमें पिटमैन कुकमैन थ्योरम लगा yes, सकते हैं तो हाँ यू कैन अप्लाई दैट आल्सो या सो उससे मुझे कंप्लीट सफिशिएंट दोनों मिल जाता, अगर होगा तो मिल जाएगा आपको पिटमैन कुकमैन हो गया या एक्सपोनेंशियल फैमिली जो रहतगी में एक्सपोनेंशियल फैमिली के नाम से है तो उससे भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो यहां पे क्या होगा बट यहां पे सपोर्ट ये लगाने के लिए सपोर्ट शुड बी फ्री ऑफ पैरामीटर है ना, यहां है ऐसा तो ट्राई कर सकते हैं आप, तो एक्चुअली यहाँ पे सफिशिएंट ही नहीं होगा, आप जब सॉल्व करेंगे ना अगर मैं वो चले पिटमैन को मैं लगा कर देख लीजिए, सो व्हेनेवर यू राइट द लाइक्लीहुड फंक्शन तो अब पीडीएफ लिख लो जस्ट, सो पीडीएफ क्या होता है 1/√2π सिग्मा जो कि है रूट थीटा ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस जीरो अपॉन रूट थीटा का होल स्क्वायर, सो इट इज समथिंग लाइक ऐसा हो गया 1/√2π ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर है सो एक्चुअली समेशन एक्स आई स्क्वायर होगा वो भी सफिशिएंट भी होगा तो एंड कंप्लीट होगा भी तो समेशन एक्स आई स्क्वायर होगा, ठीक है ना, अच्छा दिस विल बी कंप्लीट एंड चेक करो कंप्लीट है ये, अच्छा सफिशिएंट तो होगा
मैं जस्ट अभी बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल चलो x मेरा सिर्फ नॉर्मल जीरो थीटा है, I'm just talking about x, उसके बाद समेशन x की बात कर पाएंगे, या समेशन x i स्क्वायर बनाओगे, so you will have this is, फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाओगे तो उससे भी सफिशिएंट आ जाएगा, एंड इज इट कंप्लीट सर? अकॉर्डिंग टू थ्योरम होना चाहिए शायद. नहीं नहीं पहले मुझे वो लिखना पड़ेगा, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फैमिली पे लिखना पड़ेगा, पिटमैन कूपर में एक्सपोनेंशियल फैमिली का पार्ट है ना, सो लेट मी राइट इट. सो इसको ऐसा लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग, यू टेक लॉग, सो व्हेनेवर यू टेक लॉग तो यहाँ आ जाएगा समेशन एक्स आई नहीं होगा, मैंने करके दिखाया आपको, सो समेशन एक्स आई नहीं होगा, एक्स नहीं होगा, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स स्क्वायर, प्लीज एक्स स्क्वायर, और अदर वे वी आर टॉकिंग अबाउट समेशन एक्स आई स्क्वायर, वो एक्स नहीं होगा, x will not be complete, summation xi will not be complete for theta. अभी हम बात कर रहे हैं इसके लिए x square या summation xi square के बारे में बात कर. So तो सर इसके distribution पर कोई फर्क पड़ेगा क्या xi square करने से? हाँ obviously square का distribution क्या होगा बताइए, क्या square normal पर follow करेगा? x square normal थोड़ी follow करेगा. उससे समेशन कर लेंगे तो उससे थोड़ा थीटा को बैलेंस करके ये काई स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. अब चेक करो काई स्क्वायर फैमिली कंप्लीट है क्या, तो यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर हो गया, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ही था समेशन का, सो उस केस में चेक करना पड़ेगा यहाँ से क्या आ जाएगा. सो इफ आई जस्ट आई एम टेकिंग लॉग, सो लॉग हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू थीटा स्क्वायर, इस तरह से कुछ. अब यहाँ प्रोडक्ट में है, आई थिंक दिस इज फाइन, अगर समेशन एक्स आई स्क्वायर होता तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज कंप्लीट आल्सो, यस नो है ना, यस दिस इज कंप्लीट आल्सो, सो कंप्लीट एंड सफिशिएंट बोथ हो जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर होता तो, ठीक है ना. इसको तुम डेफिनेशन से भी करके देख लो, e of t जीरो तभी होगा, यहाँ पे तुम अगर डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे ना, सो यू हैव टू चेक, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्चुअली क्या है, जब तुम t निकालोगे तो ये खुद पॉजिटिव है, पीडीएफ भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो वो कहीं भी नेगेटिव आंसर मतलब बैलेंस करेगा नहीं, वो जाके जीरो ही होना पड़ेगा t को, और कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे. अगर ऐसा होगा इसमें t को जीरो ही होना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, क्योंकि t खुद पॉजिटिव है, तो वो इंटीग्रेशन में तुम नेगेटिव पॉजिटिव मिलके जीरो हो जाता है ना वहां पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, एक्स आई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए इसको जीरो ही होना पड़ेगा, ठीक है. ओके सो ठीक है, तो स्क्वायर होता तो उसके लिए कंप्लीट हो जाता एक्स आई स्क्वायर. नेक्स्ट बताइए. 20 अच्छा ठीक है, क्वेश्चन हम करेक्ट मान लेते हैं, क्वेश्चन करेक्ट है तो बी ऑप्शन होगा आंसर कर लेते हैं, क्योंकि सर अगर अपन समीशन एक्स आई स्क्वायर ले रहे हैं तो फिर कोई ऑप्शन मैच नहीं होगा ना. हाँ हाँ राइट राइट, फिर देखना पड़ेगा यू एंड वी क्या फिर थीटा स्क्वायर के लिए. सो कंप्लीटनेस सफिशिएंसी डज नॉट डिपेंड ऑन पैरामीटर, अगर ये थीटा के लिए कंप्लीट सफिशिएंसी, थीटा स्क्वायर के लिए भी होगा, थीटा क्यूब के लिए होगा, क्योंकि कंप्लीटनेस एंड सफिशिएंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नॉट द पैरामीटर, तो कंप्लीट सफिशिएंट होता तो कोई दिक्कत नहीं, बट यू एम वी के लिए चेक करना पड़ेगा फिर क्या वो अनबायस्ड है एंड लेमन सेफी लगाना पड़ेगा, हालांकि कंप्लीट सफिशिएंट ही नहीं है तो विल नॉट गो फॉर दैट, या फिर तुम राव ब्लैक पे लगा सकते, सॉरी क्रेमर लोअर बाउंड ट्रेक चेक कर सकते हो कि थीटा स्क्वायर के लिए वो क्या आएगा क्रेमर लोअर बाउंड, और इसका वेरियंस देखो मैच कर रहा है क्या, इस तरह से है ना. हमारे पास तीन तरीका UMU के लिए, क्रैमर और लोअर बाउंड, कि अगर कोई एस्टिमेटर ऐसा है जिसका वेरिएंस क्रैमर और लोअर बाउंड के इक्वल है, तो वो जिस भी है ना फंक्शन ऑफ उसके लिए अनबायस्ड है, मतलब होता है ना कि वेरिएंस जो थीटा, सपोज थीटा स्क्वायर का तुम निकाल सको ना क्रैमर और लोअर बाउंड क्या था, जी डैश थीटा होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा, उससे और जो भी आएगा, और ये अगर इसका भी वेरियंस उसके इक्वल आ जाता है तो देन इट इज UMU है ना, जो कि एक्सेप्ट करते हो. दूसरा लेमन सेफी है या राव ब्लैकवेल है तीसरा ऑप्शन, ठीक है. हाँ नेक्स्ट कौन 20 था सर? सर यस सर,
सर ये जो आपने क्रेमर राव वाला बताया सर, ये ऑलवेज ट्रू होता है हर लाइक हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्रेमर राव का स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे थ्योरम है ना, कि अगर जो भी होल्ड करेगा तो वो अगर ऐसा होता है वेरिएंस ऑफ टी इज इक्वल टू दिस क्रेमर राव लोअर बाउंड, यस देन टी इज यूएम यू, यस हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा ये। ओके सर। ये वन वे है, बोथ वे करेक्ट नहीं, दिस इज जस्ट वन वे, लेफ्ट टू राइट। सर क्रेमर राव लोअर बाउंड की रेगुलरिटी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है? हाँ हाँ हाँ, उसमें एक कंडीशन था लाइक उसमें ये है कि ये भी लगाने के लिए तुम्हें दैट शुड बी, जो तुम्हारा सपोर्ट है शुड बी फ्री ऑफ पैरामीटर, वो था ना उसमें भी, उसमें भी वही कंडीशन है। हाँ सर, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए। हाँ, सो जो क्रेमर और लोअर बाउंड फाइंड करने के लिए जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सपोर्ट शुड बी फ्री ऑफ पैरामीटर, उसका एक रेगुलरिटी कंडीशन में एक ये भी कंडीशन है। सर एक पैरामीटर के लिए भी कुछ कंडीशन है कि ओपन इंटरवल में होना चाहिए, तो वो भी इंपॉर्टेंट है क्या वैसे? उसमें क्या है कि एग्जिस्टेंस का एक क्राइटेरिया था, कुछ क्वेश्चन जाम में आए ना एग्जिस्टेंस के लिए, तुम्हें देखना पड़ेगा स्टेटमेंट एग्जैक्ट क्या है, अगर है तो वो पॉइंट तुम्हें याद होना चाहिए, कई बार उस पॉइंट पे भी क्वेश्चन बना देते हैं, सो यू शुड रिमेम्बर दैट पॉइंट। यस, तो आपको देखना पड़ेगा इफ समथिंग लिखा रहता है ना, तो इफ सेटिस्फाई करना चाहिए जो कंडीशन है, सो वो चेक करना पड़ेगा आपको। यस ओके सर। इसके लिए समेशन एक्साई और समेशन एक्साई स्क्वायर आएगा, जॉइंटली सफिशिएंट आएगा, चेक कीजिए। हो गया सर, सिंगल पैरामीटर के लिए भी हो सकता है। यस सर जी, तो जैसे यहाँ पे कंप्लीट सफिशिएंट दोनों लिखा हुआ है, अगर इनमें से एक भी नहीं हुआ बी ऑप्शन में तो नॉट हो जाएगा ना? एक्चुअली यही कहना चाहिए, नॉट कंप्लीट सफिशिएंट, तो कोई भी एक फॉल्स हुआ तो फॉल्स होगा। हाँ ओके सर, क्योंकि एक एंड है बीच में, अगर कुछ नहीं कॉमा जैसा होता है, कॉमा का मतलब एंड है, बीच में एंड है वो, बट अलग अलग जैम अलग लिखा जाता है ना, जैसे अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट पे अक्सर क्वेश्चन आए हैं एक साथ, तो कन्वर्स्ट है कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट है कन्वर्स्ट नहीं है, दोनों है दोनों नहीं है, इस तरह से आता है, तो अलग लिखा है, एग्जाम में थोड़ी क्लैरिटी होगी। ओके सो 20 था नेक्स्ट, क्या इसमें दिक्कत है? ये तो रहती में सॉल्ड एग्जांपल है जहां तो मुझे याद आ रहा है, नहीं तो चलो ऐसी दिक्कत है कि ज्वाइंट दे रखा है आपको और शायद नॉट श्योर इसमें क्या है, एक साइज में भी है रोहित की कुछ जॉइंट वगैरह में, देखो एक साइज में इस तरह क्वेश्चन है पीछे साइज है उसका, तो पूछ रहा है तुमसे, ठीक है ना, तो बी जो प्लस में नेक्स्ट टर्म है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सेकंड टर्म जो है प्लस के बाद वाला जीरो, आंसर जीरो है एक्चुअली, दो रैंडम वेरिएबल इक्वल कर दिया तो जब तुम जब लिख रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन तो एक्स टू का तो वो इक्वल हो गया एक्चुअली, तो इंटीग्रेशन सेम लिमिट हो जाएगी तो जीरो हो जाएगी एक्चुअली, वो तो कहीं भी इक्वालिटी आ जाए कंटीन्यूअस केस में तो जीरो होगी वो, सो एग्जैक्ट इक्वल कर दिया दैट इज जीरो, एंड यहाँ पे क्या इंटीग्रेट कर लो इस रीजन पे, दिक्कत नहीं होगा, यू जस्ट इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन, ठीक है सर? वो केसेस काउंट करके ऐड कर सकते हैं इसको, आईडी इंफिनिटी केसेस काउंट करके उस तो एक्सपेरिमेंट करके देखो आ रहा है आंसर, आंसर तो मैच कर रहा है ना, ये आईआईडी है, आईआईडी तो है इंडिपेंडेंट भी है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो रिजल्ट आई थिंक आईआईडी के लिए करेक्ट है, जो हम कह रहे थे डिस्कस भी कर रहे थे ना, सो करेक्ट होगा आईआईडी के लिए, आई थिंक दैट विल वर्क हियर आल्सो ना, और पीछे भी एक क्वेश्चन में वर्क किया था, सो आई थिंक जस्ट थ्रो आईआईडी के लिए करेक्ट होगा। यूनिफॉर्म के लिए तो होगा ही, ऑब्वियसली होगा क्योंकि यूनिफॉर्म है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज भी होता है इफ दे आर आईआईडी आई थिंक इट विल वर्क, ठीक है हाँ, जो हमने यूनिफॉर्म के लिए पहले किया था एग्जाम में यूनिफॉर्म के लिए आया हुआ है उस तरह से।
कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 लेस देन x2 लेस देन x3, तो इंटीग्रेट करके निकालोगे तभी आंसर 1/6 ही आएगा। ऐसे ही तुम देख लो कि थ्री नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज एंड देन दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल केसेस इन 6 पॉसिबल केसेस, सो दैट इज द की थिंग। ठीक है, तो उससे हो जाएगा, इंटीग्रेट करके भी देख लो तो भी आ जाएगा। बी पार्ट का प्लस का 0 है तो नेक्स्ट बताओ। सर 22 बट इंटीग्रेट करके वेरीफाई कर लेना, किसी ने अगर किया है तो बताओ, जरूर वेरीफाई इट। तो x1 x2 भी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स विथ नॉन जीरो वेरिएंस, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ y जो कि x1 into x2 अच्छा एंड x1 इन टर्म्स ऑफ मीन्स एंड वेरिएंस ऑफ x1 x2, तो क्या दिक्कत है इसमें, नहीं हो रहा है? x1 x2 इंडिपेंडेंट है ना, तुम्हें जस्ट फॉर्मूला तो लगाने हैं। यस सर, हो गया ये। हां, जिसे सॉल्व किया भेज दो ग्रुप में भेज, तो जस्ट अप्लाई नॉर्मल मेथड। हां नेक्स्ट सर 24 लेटेक्स बार इसमें डाउट सर कि गामा इसमें है क्या डाउट है? सर ये सिलेबस में है क्या? सर ये जो फर्स्ट लेता हूँ, हाँ हाँ ये जो फर्स्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल आ रही है वो बीटा के लिए आ रही है और इसमें म्यू के लिए पूछ रहा है और म्यू इक्वल टू 4 बीटा है, उसने ऐसा डिफाइन किया है। अच्छा, एक्स बार डिवाइड द मीन ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ साइज 25 इन 25 ए गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ अल्फा इज 4 बीटा मोर देन 0, यूज द सेंट्रल लिमिट थ्योरम टू फाइंड एंड अप्रोक्सीमेट 0.954 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू वेयर म्यू इज मीन ऑफ द गामा डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ऐसे हमने सिलेबस तुम अगर देखोगे तो सिलेबस में क्या था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल किसका किसका पूछेगा, वो या तो नॉर्मल का पूछेगा या एक्सपोनेंशियल का पूछेगा, नॉर्मल एक्सपोनेंशियल का ऐसे फाइंड करवाएगा। तो ऐसे जहां में जो भी आए आप देखो यही है, स्पेशली 21-22 में तो वो सिलेबस रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने दे दिया है सो हाँ, तो मीन क्या हो गया 4 बीटा, ये क्या करना चाहते? देखो एक तरीका ये है कि हर पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, देखो उसके इक्वल कौन सा आता है। डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, डेफिनेशन क्या कहता है, कोई इंटरवल अगर फॉर एग्जाम्पल t1 t2 कॉन्फिडेंस इंटरवल है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा बीइंग बिटवीन t1 एंड t2 इज इक्वल टू जो भी कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे 0.954 है। अच्छा तो वैसे जैम में तो ऐसे नहीं पूछना चाहिए ना, जैम में जो सिलेबस में लिखा है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल पूछेगा आपसे, बट ठीक है अभी के लिए इसको करके देख लेते हैं। तो क्या आया बताओ जो बता रहे थे जो लोग, अच्छा मीन चलो 4 बीटा आया, ओके सर एक्स बार माइनस 4 बीटा अपॉन 2 बीटा बाय 5 ये नॉर्मल फॉलो करेगा फिर जेड अल्फा बाय 2 और जेड अल्फा बाय माइनस जेड अल्फा बाय 2 के बीच में उसको रख देंगे। अच्छा मतलब पाइवट से तुम कर रहे हो ना, सो 4 बीटा अपॉन रूट अंडर कितना 4 बीटा स्क्वायर सो 2 बीटा, ओके सो यहां से आ गया x बार अपॉन 2 बीटा माइनस कितना 2, तो ये तुम्हारा फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0.1, तो ये पाइवट हो गया क्यू जिसमें से हम लोग कर रहे थे सर, वो 5 से डिवाइड भी होगा सैंपल साइज। अच्छा एक मिनट, तो यहाँ पे अच्छा मैंने सिर्फ x बार का मीन है तुम्हारा दिस, x बार का वेरिएंस कितना है सिग्मा स्क्वायर बाय n है ना, सिग्मा बाय रूट n, तो रूट n मतलब यहाँ 5 पहुंच जाएगा ना, सो ये कहना चाह रहे तुम, ठीक है अब? हाँ सर, ओके हाँ यू राइट, सो मतलब मुझे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा इसको। सो यहाँ पे क्या है मतलब एक्चुअली ये होता है ना x बार माइनस म्यू अपॉन जैसे मैंने सिर्फ सिग्मा लिख दिया लेकिन x बार का वेरिएंस तो सिग्मा स्क्वायर बाय ये होता है, दिस नेट में दिस ये नॉर्मल होगा ना,
तो पाइवट क्या होता है, पाइवट वही होता है कि फंक्शन ऑफ पैरामीटर एंड क्या एस्टिमेटर्स है ना, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हो पैरामीटर से, तो वो हम लोग बनाते हैं जब कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ते हैं। सो ये आपका नॉर्मल 0-1 हो गया। अच्छा ओके, तो फिर अब आगे माइनस जेड अल्फा बाई टू के भी और जेड अल्फा बाई टू के बीच में पाइवट को रख देंगे जैसे हमने क्लास में कंस्ट्रक्ट किया था। सो सो ये आप लोग नॉर्मल में जानते हो ना, यू ऑलरेडी नो, जैसे जेड अल्फा बाई टू है तो इधर अल्फा बाई टू है, और ये माइनस जेड अल्फा बाई टू है इधर अल्फा बाई टू है, तो बीच की प्रोबेबिलिटी 1 - α, यही आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ठीक है, दिस इज कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो वो आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो इससे आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो क्या आता है यहाँ से आपको समहाउ, तो ये वैल्यू दे रखी है, ये यूज करना पड़ेगा, यहाँ से यूज कर लो प्रोबेबिलिटी तो क्या इस मेथड से आंसर आ रहा है जो अभी कर रहे हैं हम, किसने सॉल्व किया पहले? हाँ सर, ये बीटा के लिए आ रही, बट हमें 4β के लिए निकालना है। अच्छा अच्छा यहाँ इन्होंने तो वो वहाँ गलती किया है मतलब बनाने में कि 4μ, अच्छा यहाँ 4β होना चाहिए ना, और म्यू हटा देना चाहिए, म्यू इज अ मीन। ओके ओके, सो मतलब बीटा रैंड जो पैरामीटर है, कहना मतलब यहाँ से तुम क्या करोगे, देखो सो व्हेनेवर यू विल सॉल्व, तो यहाँ से होगा x बार माइनस जो भी था 4β ना, x बार माइनस 4β अपॉन में 2β था, और यहाँ से तुम क्या करो 5 टाइम दिस, तुम लोग सॉल्व करके देखो अभी। सो दिस थिंग, ये 1 - α है, अब इसको सिंपलीफाई करो, यू फाइंड बीटा है ना, अब चेक करो, जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि बीटा के लिए वो करेक्ट आंसर आ रहा है, बट हमसे पूछा है 4β के लिए, 4β इसलिए क्योंकि मीन है ना 4β, तो इसीलिए, तो उसने फिर क्वेश्चन लिखने में गलती कर दिया है, ये चाहिए। ठीक है, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, ये इनक्वालिटी से क्लियर होगा। अब जेड अल्फा बाई टू क्या है, ये क्वेश्चन में दिया होगा जैम के पेपर में, यहाँ भी दिया होना चाहिए, असर दिया था -1.96। ओके, तो उससे फिर आ जाएगा। तो ठीक है ना, आप सॉल्व, ये मैंने आइडिया दे दिया, आप सॉल्व करके देखो, अगर तुमने सॉल्व किया तुम भेज दो ग्रुप में, ठीक है, तो ये इस तरीके से 27 तो इसमें कह रहा है कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ, आपको पीएमएफ दे रखा है, ये क्या है, ये बर्नौली का पीएमएफ है। ओके, तो सर मिनिमम मैक्सिमम क्यों आएगा, ये लास्ट टाइम भी ये गलतियां इस तरह हुई थी। यस सर, गलत है क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम क्यों आएगा, इसमें मिस्टेक किया है इसने, या तो पीडीएफ गलत डाला या ऑप्शंस गलत इसने पुट किए हैं, क्योंकि थीटा भी फुल फुल रेंज में है 0 to 1, मिस्टेक किया है। नेक्स्ट बताओ सर, इसमें मिनिमम वाला केस कब आता है, मतलब जब आपका पैरामीटर डिपेंड करता है सपोर्ट में, लाइक एक्स लेस देन थीटा हो गया, थीटा मोर देन एक्स आई हो गया ना, थीटा मोर देन एक्स आई है तो nth ऑर्डर स्टैट्स आएगा, मैक्सिमम आएगा। हाँ सर, तो वहाँ पर तो हम nth ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं ना। हाँ अच्छा, यहाँ पे ये है कि तुम्हें कहना है मैक्सिमम ऑफ दिस, यहाँ मीन कितना होगा, इसका मीन कितना है इसमें सर, बस ये जो थीटा दे रखा है 0 से 1, इसमें कुछ कंस्ट्रेंट होना चाहिए था 1/3 से 1। हाँ, लाइक अगर उस तरह से कर देता तो फिर वही, अगर थीटा या फुल रेंज है ना, अगर थीटा फिक्स कर देता तो होता क्या है ना कि हमारे पास है कि लाइक द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर व्हिच द लाइक्लीहुड फंक्शन इज मैक्सिमम, ये डेफिनेशन है हमें लिखा, तो उस थीटा के लिए मैक्सिमम। अब हमारा एक्स बार जैसे आता है जब हम मेथड से फाइंड करते हैं हम लोग, सो लाइक्लीहुड मैक्सिमम है एक्स बार के लिए, एमएलई हो गया, तो x बार के लिए होगा। अब x बार अगर मान लो, अगर सपोज 1/3 से 1 में होता या 0 से 1/3 इस तरह से रेंज होता,
फिर हम सोचते हैं कि लाइक कौन सा ज्यादा है, उसके हिसाब से सोचते हैं, या वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर डिपेंड करेगा लाइक्लीहुड किस तरह का। अच्छा सर, वो फिर हम फंक्शन के अकॉर्डिंग कि हम एक्स बार को मैक्सिमम लें या मिनिमम लें कि लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम है। हाँ, जैसे अगर मान लो रेंज होता 0 से 1/3, तो मेरा अगर एक्स बार 0 से 1/3 में है ना, तो ओके है एक्स बार है। अगर नहीं है तो मुझे उसी रेंज में उसका लाना पड़ेगा। सो अब देखेंगे इंक्रीजिंग है तो 1/3 हो जाएगा उसमें मेली, इस तरह से। तो जो भी देखेंगे रेंज के अंदर हो, तो मिनिमम एक्स बार 1/3 उसके हिसाब से होगा। तो ये थीटा का रेंज 0 से 1 में है, इसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ ये क्वेश्चन रहा होगा, एक तो आइडिया समझ लो, जो लोग हो अभी आइडिया से समझ लो कि इस कब ऐसा केस आएगा जब पैरामीटर यहाँ 0 to 1 में है, फुल स्पेस है पैरामीटर का, मतलब इससे ज्यादा हो नहीं सकता, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जैसे 0 से 1/3 कर दे, एक केस ऐसा हो सकता है, या 1/3 से 1 दे देगा, तो उस तरह केस में इस तरह की सिचुएशन बनेगी, या 0 से 1/4 हो गया थीटा, या 1/4 से 1 है, तो उस तरह केस में आपको देखना पड़ेगा जो आपका एमएलई आ रहा है वो उस रेंज में है कि नहीं। अगर उस रेंज में नहीं है तो क्या आंसर होगा फिर, अगर एक्स बार सपोज हमारा थीटा वो 0 से 1/3 होता, तो अगर 0 से 1/3 में तो एक्स बार इज ओके, एमएलई है, लेकिन अगर एक्स बार उससे ज्यादा है तो मुझे फिर देखना पड़ेगा वो वैल्यू जो इसके अंदर आ जाए। तो अगर इंक्रीजिंग नेचर है तो लार्जर ले लेंगे, डिक्रीजिंग नेचर है तो उसके हिसाब से फिक्स करेंगे कि थीटा क्या है जिसके लिए मैक्सिमम हो जाए और थीटा उस रेंज में हो, ये डिसाइड ध्यान रखना है। तो यहाँ तो एक्स बार ही हो जाएगा इस केस में, उसने वो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया इसीलिए। सर फिर इस केस के लिए अपन को एक्स बार निकालने के लिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू गिवन होगी ना एक्स की? हाँ, अगर वैसे हाँ, अगर वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा तो वो गिवन होगी, कुछ सैंपल अगर उस तरह साइज है तो दियो ऑब्जर्व्ड वैल्यू गिवन होंगी। मतलब इस क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन करेक्ट है तो ऑप्शंस एक्स बार होने चाहिए, वन ऑफ द ऑप्शंस एक्स बार करेक्ट आंसर है। इन जनरल जो आप समझाना चाह रहे हो उसमें पूछो। अच्छा ओके, हाँ हाँ, वहाँ अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू है एग्जैक्टली, तो उस केस में क्या, अगर रेस्ट्रिक्टेड है डोमेन थीटा का, तो उस केस में देन आपको देखना पड़ेगा। हाँ, अगर ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है तो आप देख लो कि ऑब्जर्व वैल्यू जो आ रही है वो और 1/3 में किस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है, मतलब हाँ उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जर्व वैल्यू और कंपैरिजन करके कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है। सर हाँ सर, अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन गिवन होगी तो फिर उस केस में, तो अगर नहीं भी गिवन होगा तो हम केस ले लेंगे ना कि एक बार या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, फिर उस हिसाब से कर लेंगे। एक्स बार भी फिर 0 और 1 हो जाएगा, और फिर मतलब थीटा रिस्ट्रिक्ट होगा उसमें देख लेंगे मिनिमम मैक्सिमम लाइक्लीहुड जहां भी होगा। हाँ, वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करेंगे सब चीजें कि लाइक किस तरह क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको डिसाइड। इस तरह क्वेश्चन जैम में आए हैं, जैम में है ना क्वेश्चन जहां पी आपको दे रखा है 1/3 से, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1/4 से 3/4 में ऐसा कुछ क्वेश्चन है, और एक्स बराबर 0 के लिए आपसे एमएलई पूछ रहा है, वो बर्नौली का ही केस है वहां पे जैम में, 15 के बाद कहीं पेपर किसी में आया हुआ है, तो इस तरह क्वेश्चन है वहां पे, तो वहां से आपको समझ आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, उससे आंसर फिर आप मैच करो। देखो जैम में इस तरह क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्टेड पैरामीटर वाले। जी सर, उन क्वेश्चंस में ऐसा मिनिमम मैक्सिमम जैसा नहीं था, सिंपली ऑब्जर्व वैल्यूज थी, तो जैसे अपना आंसर 4 आता था थीटा को रेस्ट्रिक्ट करके 0 to 3, तो 3 वाला आंसर हो गया था, ऐसा ही था उसमें। हाँ, आपको बस ये डिसाइड करना है कि जो एमएलई आ रहा है वो उस रेंज में होने चाहिए, और उस एमएलई के लिए मतलब उस थीटा के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगा उस रेंज में, और कोई वैल्यू नहीं है जिस पे उससे ज्यादा वैल्यू आ जाए, बस यही है, इतना ही। यस, यू आर गेटिंग राइट। समहाउ हमें थीटा वो चाहिए जो रेंज में हो और उस पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो, उस रेंज में कोई और वैल्यू ना हो जिस पे उससे ज्यादा वैल्यू लेते अटेन करता हो लाइक्लीहुड फंक्शन, यही है। So x1, x2, xn be a random sample from a distribution with one of the two PDF. ये last class में भी आया, इसमें कुछ गलतियाँ किया है, क्या है देख लेते हैं एक बार जो। So theta 1 है तो ये वाला PDF लो, theta 2 है तो ये वाला PDF लो। अच्छा, तो feature information I theta, तो I theta क्या होता है, अगर मैं डबल है ना, वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या था, पार्शियल डेरिवेटिव करोगे 2 times टू थीटा किसका, लाइक्लीहुड फंक्शन का। अब यहाँ पे तुम्हारे पर लाइक्लीहुड फंक्शन तुम लोगे
और थीटा तो है ही नहीं, तो डिफरेंस ना जीरो ही हो जाएगा। हाँ सर वही, तो डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा तो है ही नहीं, तो एक्सपेक्टेशन किसका लोगे वहां? था ना एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइक्लीहुड यू विल टेक, मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन को यू डिफरेंशिएट इट ट्वाइस एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो फिशर्स इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? हाँ हाँ क्या बोलो? दो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे आई थीटा? हाँ वही, अरे वो तो दो डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन तुम्हारे पास क्या है डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा थोड़ी। अच्छा हम क्या करते हैं, आई थीटा के लिए क्या चाहिए? लाइक्लीहुड फंक्शन चाहिए ना? हाँ सर, पर थीटा तो नहीं है। और लाइक्लीहुड फंक्शन के लिए वैसे सर कंडीशन दे रखी है यहाँ पर कि अगर थीटा इज इक्वल टू वन है तो ये वाला चूज करना है, और थीटा इज इक्वल टू है तो ये वाला। हाँ सर, हमको डिफरेंशिएट भी तो थीटा के रेस्पेक्ट में ही करना है, तो थीटा है ही तो नहीं इधर। चलिए इस क्वेश्चन में कुछ मिसमैच है, सब कुछ ऐसे ही। असल में ये हाइपोथेसिस का क्वेश्चन था, ऐसे ही सेम बस कुछ होगा वो, उसने गलत सा रखा है इसमें। देखो इसीलिए सबसे रेफरेंस, सबसे अच्छा रेफरेंस जैम का है। जैम में जिस तरह क्वेश्चन है वो तुम्हें देखो किस तरह कैसे है, ये सब ऐसे ही इन्होंने है ना फालतू वाला भरा है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है क्वेश्चन, पटांग उल्टा फालतू सा क्वेश्चन है। मतलब अभी तक मुझे गलत ही लग रहा है, इसमें कुछ सही रेलेवेंस है नहीं इसका। आई थीटा में इस तरह डिफाइन करने का क्या मतलब है? छोड़ दो इसको तो। ओके सर, सर 35 30 भी ऐसा इससे पहले। यहाँ पर सब बी ऑप्शन में थोड़ा चेंज होगा, वाई माइनस वन होगा। अच्छा अच्छा सो रैंडम सैंपल ऑफ साइज चेक एंड फॉर्म अ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट है तो रिजल्ट मिल जाएगा तुम्हें किसी बुक में, डिस्क्रीट है ना, 1/थीटा फॉर 1 to थीटा, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है। और तुम्हारा वाई है यानी मैक्सिमम है सबका यानी थर्ड स्टैट से, तो कौन सा यू एम वी है, तो इसका रोहतगी में भी रिजल्ट है। तुम रोहतगी खोल कर देखो अभी, इसका रिजल्ट है, फॉर्मूला डायरेक्ट है, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म के लिए, तो रिजल्ट देख लो जस्ट है ना, प्रूफ भी वहां किया होगा उसमें। ये जस्ट रिजल्ट है, यूनिफॉर्म डिस्क्रीट यूनिफॉर्म को देख लो क्या आंसर है। सर हां सर, ऊपर पे y माइनस 1 होगा। अच्छा बी में y माइनस 1 होना चाहिए, कहना चाह रहे हो आप? हां सर, y प्लस 1 है, y माइनस 1 होगा, हर ऑप्शन में y प्लस 1 का रखा है। वही थोड़ा गलत है, बाकी सेकंड ऑप्शन सही है। ये रिजल्ट डायरेक्ट है, रिजल्ट देखना पड़ेगा। हां सर, इसमें क्या है, इसमें है कि रैंडम सैंपल है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से और वाई समेशन एक्स आई है यहाँ पे, तो ये सब निकाला जा सकता है। ये सब तो हमने इस तरह क्वेश्चन किए हैं जैम में, आए हैं ना इस तरह क्वेश्चन तो आए हैं जैम में। ये 1 + θi की पावर माइनस थीटा क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है? चारों ऑप्शन में सेम चीज है एक्चुअली, एक ही टर्म का यूएमवीवी पूछ रहा है, वो टर्म कॉमन है, मतलब फंक्शन ऑफ जो पैरामीटर है दैट इज कॉमन इन ऑल फोर ऑप्शंस। तुमसे क्या पूछा था, यहां पूछा क्या है उल्टा तो नहीं पूछा था? नॉट पॉसिबल कुछ फॉलोइंग इज नॉट एम, इस तरह से नॉट यूएमवीवी, ये क्या है एन एक्स बार ऑप्शन पे तुम रिलाई नहीं भी करो, कम से कम तुम इसका ML, मतलब यूएमवीवी निकाल सकते हो कि नहीं सकते, ये बताओ मुझे। हाँ सर, ये जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना ये, तो
वन प्लस थीटा की परमाई सी रेशियो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू वन है, तो राव ब्लैकवेल से भी कर सकते हो, अनबायस एस्टिमेटर बनाओ फिर उससे करो, और मतलब इसके ऑप्शन छोड़ दो तुम, इस तरह क्वेश्चन जैम में फ्रिक्वेंटली आए हैं पोजिशन वाले, तो उस पर करो ऑप्शन इसको छोड़ दो, तो अगर एस्टिमेटर निकाल पाओगे निकाल जहाँ में जिस तरह किए हैं उस तरह से ही कर लो, तो उसमें कुछ नया नहीं है एक्चुअली इस क्वेश्चन में, कि आपको बस पूछ रहा है कि वन प्लस थीटा की माइनस थीटा का क्या होगा अनबायस यूएमयू, तो हम निकाल सकते हैं राव ब्लैकवेल से भी निकाल सकते हैं या लेमन सफिस से निकाल सकते हैं कि वो अनबायस कंप्लीट सफिशिएंट है समेशन एक्सआई, सो देख लो एक्स गिवन एक्सआई बाइनोमियल हो जाता है उससे आ जाएगा ड्राइव ओके, हमने किए जैम में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे, तो जैम के पेपर कर लो क्वेश्चन देख लो 18, 19, 20, 21 वाले उसमें आए हैं ये, उस वैसे ही कर लो ये भी हो गया, छोड़ दो ऑप्शन क्या ही है, क्या ही फर्क पड़ता है। सर ए और डी वाले कैसे होंगे इसमें? अरे मेरे भाई तुम मुझे ये बताओ ए और डी में तुम्हें दिख रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू वन ही है, ऐसा कुछ दिख रहा है तुम्हें कि नहीं दिख रहा है? पॉइजन में प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू वन कितनी आएगी? तुम्हें ए बी सी डी इक्वल क्यों सेम क्यों नहीं दिख रहा? तुम्हें दिख रहा है बी सी एक जैसा दिख रहा है तुम्हें, ए डी एक जैसा, मुझे चारों एक जैसा ही दिख रहा है, चारों में एक ही चीज का यूएम भी पूछा गया है, चेक करो। यस सर, ए बी सी डी सब एक ही चीज है, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू वन निकालो वही आएगा, वन प्लस थीटा ई की पावर माइनस थीटा, और इस तरह क्वेश्चन जैम में आए हुए हैं, तुम जैम के पेपर सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो। ओके नेक्स्ट बताओ सर। जी सर, अगर हमें दिया हुआ है कि एक्स फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को और हमें पूछा गया है मॉड एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो सर उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है उस चीज का? ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखना पड़ेगा, क्योंकि इंपैक्ट ये पर आगे रेंज नॉर्मल में माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी था, अब रेंज हो गया जीरो से इनफिनिटी, जीरो से तो जीरो से इनफिनिटी में ये पूरा मास आ गया, तो उसके हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन करके देखना पड़ेगा क्या पीडीएफ नया बन रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आप ट्रांसफॉर्मेशन देखो है ना, रेंज चेंज हो गया और पीडीएफ भी चेंज हो जाएगा। हां मतलब सर इसके ट्रांसफॉर्मेशन में हमें मॉड एक्स को मतलब ब्रेक थोड़ी करना होगा, कुछ करना होगा क्या? मॉड एक्स क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन है? नहीं है ना, तो फार्मूला तो लगा नहीं सकते, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पढ़ा होगा सीडीएफ वाला, तो मॉड एक्स का सीडीएफ निकालो फिर उसको डिफरेंशिएट करो पीडीएफ वाला। ओके ओके सर, हां हां समझ गया सर। 34 एक बार देख लीजिए, इसका डी होगा ना, यूनिफॉर्म है माइनस थीटा प्लस थीटा है ना, और वाई है आपका मॉड एक्स, तो मॉड एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म जीरो थीटा है ना, सो वाई का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म जीरो थीटा। अब यूनिफॉर्म जीरो थीटा में क्या होता है? सो वो तो पैरामीटर में डिपेंड करता है ना। हाँ वो बीफ में नहीं होगा ना, फैमिली कंप्लीट कैसे है? तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, उसमें होता है ना यूनिफॉर्म जीरो थीटा में एनथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक होता है ना जी, अच्छा एस्टिमेटर वो होता है, फैमिली कंप्लीट का डेफिनेशन क्या है? जो ओपीएफ में बिलोंग करता है तो उसका फैमिली कंप्लीट है। सर इसमें nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक होना चाहिए कंप्लीट सफिशिएंट, बट इसमें सिंगल सैंपल है तो खाली मॉड एक्स भी होगा कंप्लीट सफिशिएंट। हाँ वो खुद ही हो गया। सर मैं सी ऑप्शन का बात कर रहा हूँ। हाँ सीडी में देखो, सीडी में फैमिली कंप्लीट डेफिनेशन देखो, फैमिली कंप्लीट होने का क्या मतलब है? ई वाई कितना आएगा यहाँ पे, थीटा बाई टू, ई वाई कितना आता है? अरे जस्ट वाई को तुम जब दिखाए ना क्वेश्चन में, ये वैसा क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन में करके तुम्हें दिखा रहा था, मैं तुम्हें ये दिखाया कि x अगर नॉर्मल जीरो थीटा है, मैं दिखाया x इज नॉट कंप्लीट है ना, सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट कंप्लीट। ओके तो वैसे यहाँ पे चेक करो कि y के लिए क्या होगा, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y? जीरो थीटा बाय टू।
थीटा बाई टू है ना, मतलब इसमें ये हो गया। अभी मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन में वाई जो है मॉड एक्स है, जीरो ही तो होता है सर। अरे कहाँ खो रहे तुम लोग, यूनिफॉर्म जीरो थीटा है, किसका जीरो आता है? नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ वाई कितना आएगा, तो मॉड एक्स का देख रहे हैं ना, एक्स तो यूनिफॉर्म माइनस थीटा का थीटा है। हाँ तो मॉड एक्स क्या है, मॉड एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? मॉड एक्स का तो थीटा बाई टू आएगा। हाँ अच्छा तो वाई मॉड एक्स ही है ना, y तो mod x, y के बारे में पूछ रहा है not x के बारे में। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, x के बारे में पूछा, y के बारे में पूछा है, y के बारे में पूछा है ना। so x is not complete but y का फैमिली कंप्लीट है, x की फैमिली कंप्लीट नहीं है, y की फैमिली कंप्लीट है। चेक करो। सर एक्स की भी तो होनी चाहिए ना, क्यों तो वहां भी नॉर्मल वाले में ऐसा होना चाहिए था कि समेशन एक्सआई वाला कंप्लीट नहीं था, समेशन एक्सआई स्क्वायर वाला कंप्लीट हो गया था, तो वहां भी होना चाहिए था दोनों, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अरे भाई यहाँ एक्स नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है, यहाँ एक्स नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता है, सेम लॉजिक वहां भी हुआ था कि नॉर्मल में नेगेटिव वैल्यू भी समय जब x x ले रहे थे, x नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है, x स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता है। तुम्हें क्यों लगता है होना चाहिए दोनों, x y दोनों कंप्लीट क्यों होना चाहिए? तो डेफिनेशन डेफिनेशन का कोई वैल्यू नहीं है, डेफिनेशन लगाओ ना, तुक्का थोड़ी मार दें। तुम ये बताओ ex कितना है इसमें, जीरो, क्या एक्स हमेशा जीरो आएगा? ओके ओके सर, यस सर, यस सर। तो एक्स नॉन जीरो भी हो सकता है, स्टिल एक्स की कुछ भी वैल्यू लेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू, उस केस में मीन जीरो है, तो गारंटी थोड़ी दे रहा है एक्स को जीरो ही होगा, नहीं दे रहा तो कंप्लीट नहीं है, एक्स इज नॉट कंप्लीट। ओके सर, फैमिली इज नॉट कंप्लीट। वाई में ऐसा देखो, वाई में ई वाई तुम्हें लगता है कभी जीरो होगा? थीटा मोर देन जीरो होता है, तो उसका कन्वर्स स्टेटमेंट पे आ जाओ, अगर ई ऑफ टी जीरो है, वो जी टी होता है हालांकि, तो मैं टी के लिए बात कर रहा हूँ तुमसे, ई ऑफ टी जीरो है देन टी शुड बी जीरो, इसका इसका कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हुआ, इफ टी इज नॉन जीरो देन ई टी शुड बी नॉन जीरो, हालांकि इफ एंड ओनली इफ है, यहाँ भी इफ एंड लगा लो कोई दिक्कत नहीं। सो ऐसा है, ये फॉलो कर रहा है, यहाँ पे देखो वाई, वाई इसको फॉलो कर रहा है, तो सर कंप्लीट नहीं होगा, वाई कंप्लीट है एक्स कंप्लीट नहीं है, y is complete, x is not complete. और डेफिनेशन से देखो, डेफिनेशन से देखो, ये कंप्लीट की डेफिनेशन बता रहा था मैं, जस्ट टी के अगर जी टी होता है, वो जस्ट टी से तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं, ये कंप्लीटनेस की डेफिनेशन है, जो ऐसा करेगा वो कंप्लीट है। ई एक्स जीरो था बट टी जरूरी नहीं है जीरो हो, मे नॉट बी जीरो, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंप्लीट। अगर ये फोर्स कर देता है एक्स को जीरो ही होना पड़ेगा तब वो कंप्लीट होता, यहाँ वाई को फोर्स करेगा ये जीरो होगा, हालांकि जीरो कभी होगा ही नहीं, ई वाई इज नॉन जीरो एंड वाई भी नॉन जीरो, यहाँ पे यूनिफॉर्म जीरो थीटा में तुम देख लो तो, जीरो से वन में है ना, या जीरो से थीटा में, थीटा मोर देन जीरो है, सो बाय डेफिनेशन दिस इज कंप्लीट। देखो भाई समझ आया, जिनका डाउट था वाई कैसे कंप्लीट है। और सर अगर इसकी सफिशिएंसी के बारे में बताएं सर, हम एक्स की, अच्छा सफिशिएंसी डिसाइड करो फैक्टराइजेशन थ्योरम से, सर उसमें लिमिट पे थीटा सपोर्ट पे डिपेंड कर रहा है सर वो एक्स। हाँ तो कोई बात नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम हो जाएगा सर, राइट राइट, उसके टर्म में कुछ आएगा, वो इंटीग्रेटर फंक्शन आप लगा के लाइकलीहुड फंक्शन लिख के आपको दिखेगा। बट सर सिंगल वेरिएबल दिया है तो मिनिमम और मैक्सिमम सेम होगा ना? सेम ही हो, यस, y इज ओनली, यस, अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन है सो खुद ही मिनिमम है खुद ही मैक्सिमम है, तो सर वो हो जाएगा ना सफिशिएंसी भी अगर, हां सम होल सैंपल इज ऑलवेज सफिशिएंट, तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, यहां सिंगल सैंपल साइज है तो हर हर एस्टिमेटर हर रैंडम वेरिएबल खुद सफिशिएंट है अकेला, अगर सिंगल सैंपल साइज है तो सफिशिएंट तो होगा ही,
क्योंकि हम जानते हैं अगर सैंपल भी है तो पूरा सैंपल अगर है तो पूरा सैंपल कलेक्टिवली सफिशिएंट है, और अगर सिंगल साइज है तो वो खुद सफिशिएंट होगा ही। कंप्लीट हो सकता नहीं भी हो सकता, वो डेफिनेशन है तुम्हें चेक करना है। ओके सर, गॉट इट। सर 44 ओके। कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस एक्स वेयर एक्स हैज डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिस। तो पीडीएफ एक्चुअली सीडीएफ है, पीडीएफ है, इधर लिखने में ना कितना टाइपिंग मिस्टेक है इन लोगों का। ऊपर लिखा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और नीचे दे रहा है स्मॉल एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? और ये है एक्चुअली सीडीएफ। हां सर, है ना, इसका आंसर कुछ और आ रहा है सर। बहुत मिस्टेक्स है इसमें। सो so, we denote the volume of the sphere with radius x. ठीक है, चलो कोई बात नहीं। So, CDF लेके करो, बाकी चीजें ओके रखो, CDF मान लेते हैं। अब बोल रहा है V volume है, तो बोल रहा है कि volume more than pi होने की क्या probability है? और CDF ये रखा है, और चूंकि ये function continuous random variable है, ये है ना, मैं कैसे चेक किया मैंने, CDF is a continuous function हर point पे होगा, तो ये continuous random variable है। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है फिर। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन में निकाल सकते हैं। वॉल्यूम हालांकि होता क्या है, इसका वॉल्यूम किसका वॉल्यूम बोला है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, 4/3 πr³। हाँ, तो अब पुट कर देंगे 4/3 πx³ मोर देन पाई, तो क्या इसको सिंपलीफाई करके x के टर्म में ला सकते हैं, ला सकते हैं। यस सर, वही किया सर, 0.09 आ रहा था। तो CDF से PDF आ जाएगा, PDF से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मतलब आंसर इसके स्टार्टिंग स्टेप्स कर दीजिए ना, बाकी तो हो जाएगा। जैसे क्या है कि इसमें एक तो रेडियस आपको x दिया है, तो रेडियस इज x, और आपको CDF x का गिवन है यहाँ पे। ओके, अब आपको वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम है 4/3 पाई एक्स क्यूब रेडियस है ना। अब इसमें पूछा है कि v मोर देन पाई है, तो v आप रख दीजिए 4/3 πx³ मोर देन पाई, यही पूछा है ना, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया प्रोबेबिलिटी x³ मोर देन 3/4, और सिंपलीफाई करोगे तो x मोर देन इक्वल टू लगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे लिखो 3/4 का क्यूब रूट। अब क्या ये नहीं निकल जाएगा पीडीएफ से, या ऐसा लिख लो 1 − CDF (3/4) का क्यूब रूट, तो पूरा सॉल्व भी हो गया। अब बताओ, अब देखो यहाँ ये 3/4 जो है रूट है उसका, वो इनमें से किस आएगा, बीच में आएगा ना, 0 से 1 के बीच में, राइट, तो है 3x² − 2x³। सो 3x² − 2x³ पुट कर लो इसको, हो गया आंसर। ये जो खाली स्पेस हो रहा हूँ ना, उसमें ये नंबर रख दो, ठीक, कैलकुलेटर यूज करूँ सर, अगर किसी को स्फीयर का फॉर्मूला नहीं पता हो तो पता होना चाहिए, क्योंकि तुम पास करके आए हो, स्कूल पास करके आए हो, मैथ में तो जब तुमने पढ़ लिया हो पूरा यूज होता है, पता होना चाहिए। नहीं सर, वो मतलब अचानक से याद ना आए तो। हाँ, तो बगल वाले से पूछो एग्जाम में, है ना, एग्जामिनर से पूछ लो, बता दो भैया। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट। ठीक है ना, सॉल्व कर दिया मैंने, बस लास्ट के 2 स्टेप बाकी, आप पुट कर लो उसमें 3x² − 2x³, x की जगह ये नंबर रखो, कैलकुलेटर से सिंपलीफाई कर लो, ये आंसर आएगा, सही गलत है आप डिसाइड कर लेना, सही गलत दिया है। हो गया? नहीं सर, 57 57
आंसर गलत है, मतलब कैलकुलेशन हो जाएगा ना, मुश्किल नहीं है, जस्ट तुम्हें इंटीग्रेट करना है इसको उस रीजन पे। इसके अंदर हम ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो उसमें सर प्रोबेबिलिटी में जो दे रखी है अपने को लाइन, हम ये प्लॉट करेंगे या रेंज वाली? नहीं नहीं तुम्हें जिसकी रेंज भी प्लॉट करनी है, रेंज इज अ सपोर्ट, वो तुम्हारा सैंपल स्पेस है, जो जॉइंट पीडीएफ में रेंज है वो सैंपल स्पेस है, और जो प्रोबेबिलिटी के अंदर है वो तुम्हारा इवेंट है। तो तुम्हें देखना है कि जो प्रोबेबिलिटी के अंदर है वो कितना पोर्शन है उस सैंपल स्पेस में, वो चीज है, कॉमन कितना है, कॉमन पोर्शन लेना है तुम्हें, कॉमन पोर्शन से करना है इंटीग्रेट करना है उस पोर्शन में, कॉमन पोर्शन पर इंटीग्रेट करना है, तो इसलिए दोनों का बनाना पड़ेगा ग्राफ तुम्हें, वो सैंपल स्पेस है जॉइंट में और यहाँ इवेंट है, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, वो चीज है, तो हमें उसी रीजन के अंदर इंटीग्रेट करना है उस रीजन पे। तो 2x plus 3y equal to 1 का ग्राफ बनाओ, और पहले x plus y equal to 1 का ग्राफ बना लो, x मोर देन 0 y मोर देन 0 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो, और उसके अंदर ये पोर्शन देखो कहाँ है, फिर उस पर इंटीग्रेट करो जॉइंट को, ओके इंटीग्रेट ही करना, आंसर गलत हो सकता है बट इजी है, जॉइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करना है उस रीजन पे जिस पे प्रोबेबिलिटी पूछी है, बट वो रीजन इनसाइड सैंपल स्पेस होना चाहिए। ठीक है 57 क्या है, सो x1 x2 डॉट 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 x9 बी एक्चुअली जो अभी टाइप कर रहा टेस्ट में हमारा न्यू टाइप इस अभी वो जस्ट ज्वाइन किया एक जनवरी को ज्वाइन किया था, तो ये नया नया वो सीख रहा है इसलिए बहुत सारी गलतियां वो भी कर रहा है। सो x1 x2 x9 बी अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 9 फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज नॉर्मल म्यू 4 है ना, और ठीक है सो मतलब सिग्मा इज क्या है ये, एक्चुअली टाइप में क्या किया है, म्यू 4 की जगह क्या होना चाहिए, 4 नहीं होगा एक्चुअली, 4 की जगह सिग्मा होगा, मेरे लग रहा है गलती से 4 लिख दिया, ऐसा है क्या, देखो तो इफ सिग्मा इज अननोन, सिग्मा कहाँ से आ गया, देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ लेंथ ऑफ अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू if the interval is based on the random variable this, तो एक्चुअली ये तो x बार माइनस म्यू अपॉन s अपॉन रूट n है ना, मतलब वो चीज है, तुम्हारे पास क्या दे रखा है, पाइवट क्वांटिटी दे दिया, पाइवट क्वांटिटी है तुम्हारे पास, then length of 95% confidence interval पूछ रहा है तुमसे, एक्चुअली ये म्यू सिग्मा स्क्वायर है, वो गलती से 4 आ गया, ठीक है ना, म्यू सिग्मा स्क्वायर होगा, तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें फिर कर तो सकते हैं ना हम लोग, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। अच्छा अच्छा, क्योंकि आप लोग मेथड अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था सिमिलर है, क्यू यहाँ दे रखा आपको x बार माइनस म्यू s सिग्मा नोन है, तो जब सिग्मा नोन है तो उसका एस्टिमेटर यूज किया जा रहा है s बाय रूट n, वो 9 है जिसको उसने वहां लिखा है, रूट n टाइम x बार माइनस म्यू s, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है टी में आएगा शायद tn-1 t8 हो गया, अच्छा t8 की वैल्यू आपको जैम में दे रखा होगा, सो प्रोबेबिलिटी आपको यहां से लेना है q मोर देन t8 और यहां लेस देन t8, देखते हैं क्या लेना है वैल्यू, सो अब यहां पे क्या करेंगे आप, जब रफली यू विल मेक, सो फॉर एग्जांपल चलो ऐसे, सो t8 इधर ले लो अल्फा बाय 2, टू साइडेड इंटरवल बना लेना, लेंथ पूछ रहा है ना, तो वो मतलब वही है, सो यहाँ पे क्योंकि वन साइडेड का लेंथ इनफाइनाइट होता है, ठीक है ये हो गया, तो यहाँ से आ गया आपके पास, ऐसे ये सिमेट्रिक होता है ना, तो माइनस वो कर लो माइनस t8 अल्फा बाई 2 है ना, तो ये हो गया, अब ये वैल्यू चाहिए आपको एक्चुअली, ओके ओके, तो यहाँ से क्या हो गया एक्चुअली t8 माइनस t8 अल्फा बाई 2 टू t8 अल्फा बाई 2 है ना, हालांकि ये फॉर्मूला भी होता है आपको याद होगा, इस तरह से आपको फॉर्मूला भी याद होगा कि क्या आता है म्यू का, याद है ना, जैसे तुम जानते हो x बार प्लस माइनस है ना सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2, तो जेड अल्फा बाई 2 की जगह टी आ जाता है, टी एन माइनस 1 अल्फा बाई 2, और
जेड की जगह टी आ गया, हाँ बाकी तो कॉमन ही है। तो क्या आंसर आता है, एक्स बार माइनस प्लस सिग्मा बाय रूट एन है, सिग्मा की जगह आ जाएगा एस, है ना, और यहाँ टी एन माइनस वन अल्फा बीटा, ये आता ना फॉर्मूला, तब जब सिग्मा अननोन है, अननोन होगा तो टी की जगह जेड आ जाता है और यहाँ सिग्मा ही रहेगा। तो यही फॉर्मूला लगाओ इसमें, बस ये है कि आपको ये डेटा नहीं दिया है तो ये हमारी गलती है ना। सो है ना, एस पता होना चाहिए, तो वहां ये बताना चाह रहा, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन में ये बताना चाह रहा है कि एस इज फोर है, ऐसा कुछ बताना चाह रहा है क्या, एस स्क्वायर इज फोर, क्या क्या नहीं बताया, माइनस वन अल्फा टू वो गिवन है, एस का वैल्यू तो नहीं गिवन है हमें, वन माइनस अल्फा पता है 95%, ओके इन पता है 9, और क्या जरूरत है, और जरूरत है मुझे, हमें तो लेंथ ही चाहिए ना, लेंथ क्या होता है इसका, तो वी नीड लेंथ, तो नेम से मल्टीप्लाई कर देंगे वो भी, हाँ तो ये 2 टाइम s बाय रूट n t n माइनस 1 अल्फा बाय 2, यहाँ n 9 है, s जहाँ तक मुझे लग रहा है 2 होगा क्योंकि s स्क्वायर 4 वो देना चाह रहा था, t 8 कॉमा अल्फा बाय 2 हमें देना चाहिए, और अच्छा वो स्टार्टिंग में गिवन होगा शायद, हाँ और ये है सर जी, s के वैल्यू का क्या जरूरत है यहाँ पे, लेंथ कैसे निकालेंगे सर, तो एक्सपेक्टेशन तो निकालना है लेंथ का, एक्सपेक्टेशन है क्या, अच्छा एक मिनट, सो देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लेंथ, अच्छा एक्सपेक्टेड है ठीक है ना यहाँ पे, तो एक्सपेक्टेशन क्या होता है इसका, s का तुम्हारे पास फॉर्मूला भी है ऑलरेडी, एस स्क्वायर तो सिग्मा स्क्वायर होता है, एस का तुम्हारे पास एक फॉर्मूला था शुरू में, कई बार टेस्ट में भी आया था एक दो बार, तो उसको यूज करो, तो वहां भी तुम्हें सिग्मा चाहिए एक्चुअली, वो क्या आता है उसको, आएगा उसको देखना पड़ेगा क्या आएगा, सिग्मा दिया हुआ है 4, इससे स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है, इसका स्क्वायर का ये होता है, लेकिन इसका तुम्हें फाइंड करना, इसका फॉर्मूला है, यू हैव टू सी द फॉर्मूला, चेक करो फॉर्मूला इसका, देखो बुक में मिल जाएगा, गामा के टर्म्स में वो फॉर्मूला होता है, हाँ हाँ वो था ना फॉर्मूला वो है, अभी उतना टफ क्वेश्चन है, हाँ मतलब एक्सपेक्टेशन पूछा है तो एक्सपेक्टेशन ये किया ना, बता एक्सपेक्ट क्या करना है, तो सिंपल वैल्यू पुट कर दो, लग तो ऐसे रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेशन अगर सिर्फ लेंथ पूछा है तो एस दे देगा, तो ये फोर की क्या जरूरत थी फिर, क्या है लेंथ ही निकालना है सिर्फ, यू डोंट नीड टू फाइंड द एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू इन द सेंस कि पूछा जा रहा है क्या अप्रोक्स वैल्यू होगा ये बताओ, उसका लेंथ ऑफ कौन, तुम लेंथ निकालो डायरेक्टली, ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द लेंथ एक्चुअली, यू लीव इट, सो जस्ट फाइंड द लेंथ, तो ये हो जाएगा, एस तुम्हें दे रखा है 2 है तो पुट कर लो जस्ट, तो इससे हो जाएगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, वही पूछना चाह रहे हैं डायरेक्टली, से आ जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला याद है, शुरू में हम डिराइव कर रहे थे, डिराइव करते तो भी यही आता, ये फॉर्मूला आपको ऐसे याद भी है क्योंकि नॉर्मल के लिए और एक्सपोनेंशियल के लिए याद रखना, ठीक है थोड़ी बहुत कमियां है लेकिन आप थोड़ा प्रीवियस ईयर फोकस करो, देखो प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चंस आए हैं उसको थोड़ा से एनालाइज करो, बस वही उससे ही थोड़ा बहुत सारा हो जाएगा, आइडिया मिल जाएगा सर, 49 वाला एक बार जी, 49 बताइए, एक्स वाई रैंडम वेरिएबल है विथ दिस दिस दिस, जहां तक मुझे लगा, हाँ क्या बोल रहे हो,
सर वेरिएंस का फॉर्मूला से ही देखो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट फंक्शन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप चेक करो। हाँ सर डायरेक्ट अगर वेरिएंस ऑफ जेड हम निकालें, हाँ तो सर क्या होगा बताओ, 9 वेरिएंस एक्स प्लस 4 वेरिएंस वाई और कोवेरियंस के लिए यहाँ दे रखा आपको रो दे रखा है सिग्मा 1 सिग्मा 2 पता है, तो कोवेरियंस वहां से आ जाएगा कोरिलेशन ये पहले भी एक बार मिला था हमें किसी और टेस्ट में। सो लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी, हाँ एक्स एक्स ये क्या है पॉइसन है ना, सॉरी पॉइसन कह रहा हूँ, ज्योमेट्रिक है ना, ज्योमेट्रिक फॉलोज, यस ज्योमेट्रिक फॉलोज दिस, एक्स माइनस वन मोर देन इक्वल टू क्या हो गया टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यू फाइंड एक्सपेक्टेशन, सो वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस टू हो जाएगा, एक्स का एक्सपेक्टेशन क्या आया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू होगा, फिर एक्चुअली क्या है एक्स माइनस एक्स मोर देन इक्वल टू थ्री है ना, तो यू कैन राइट एक्स माइनस थ्री मोर देन इक्वल टू जीरो यही ना, सो और उसको एक्स माइनस थ्री प्लस टू कर लो, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस थ्री गिवन एक्स माइनस थ्री मोर देन इक्वल टू जीरो इज सेम एज आप उससे भी कर सकते हैं, यू जस्ट इंटीग्रेटेड सेम, हाँ इंटीग्रेटेड ओवर दिस गिवन रीजन, तो उससे भी आंसर वही आ जाएगा, मैं ये कह रहा था एक्सपेक्टेशन यहाँ पूछा x माइनस वन गिवन x मोर देन इक्वल टू थ्री, तो यहाँ एक्सपेक्टेशन x माइनस थ्री प्लस टू गिवन x माइनस थ्री मोर देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस थ्री गिवन x माइनस थ्री मोर देन इक्वल टू जीरो प्लस टू, ये टू बाहर आ गया, एंड यहाँ से क्या हो गया ये कुछ ऐसा हो गया, अब क्या होता है मेमोरियस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या आ जाएगा, दिस इज सेम एज ई एक्स या ई वाई प्लस टू, ई एक्स देख लो क्या है वन बाई पी होगा यहाँ पे क्यू बाई पी, कौन सा वाला पी डी एफ, हाँ जो वाला पी एम एफ है उसके हिसाब से मीन देख लो कौन सा पी एम है ना, सो ये जीरो से स्टार्ट है तो ठीक है क्यू बाई पी होगा तुम्हारा, कितना आ गया क्यू बाई पी, टू बाई थ्री बाई वन बाई थ्री टू हो जाएगा, सो टू हो गया आपका, सो यहाँ से 2 प्लस 2 4 आ गया कुछ इस तरह से, हाँ सर, और उससे आप करेंगे ट्रंकेटेड वाले तो भी आंसर यही आएगा, यू जस्ट इंटीग्रेटेड ओवर 3 से इनफिनिटी x, मतलब डायरेक्टली डेफिनेशन यूज कर लो इसका एक्सपेक्टेशन का, उससे भी हो जाएगा, है ना, यहाँ क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ x given x more than equal to, ऐसे कर लो माइनस वन बाहर कर दो डेफिनेशन से करके देख लो, अब ये कैसे निकालोगे, सो इसका जस्ट यू है ना यूज x टाइम i x more than equal to 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी x more than equal to 3, अब इसको 3 से इनफिनिटी में इंटीग्रेट करो x टाइम pdf pmf ऑफ x, सॉरी यहाँ पे तो वो है तो समेशन लो डिस्क्रीट है तो, है ना, हो जाएगा इससे भी आ जाएगा डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो उससे भी आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा, और ये प्रॉपर्टी यहाँ मॉडुलस प्रॉपर्टी आती है उसका ये एक एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी है।
ओके नेक्स्ट x bar and y bar be means of two independent random sample each of size n from respective distributions n mu1 mu2 sigma square dono mein equal hai ab where the common variance is known acha variance known hai aur equal hai acha known hai to kya hai to value of n such that kya hai x bar minus y bar minus sigma upon 5 mu1 minus mu2 less than x bar minus y bar plus sigma upon 5 तो देखो क्या आएगा x bar y bar को left में बुला लो तो इसको convert नहीं कर लोगे normal 0 1 में check करो 5 में convert हो जाएगा x bar y bar को बीच में दे हाँ sigma का value अच्छा तो यहाँ दो चीज अननोन हो गया क्या ना ये चाह रहे तुम क्या नहीं वो सिग्मा कैंसिल हो जाएगा ना सिग्मा वाई फाइव दोनों तरफ है ना तो सिग्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी हाँ सर कैंसिल हो जाता है एंड में देखो ये बोल रहा हूँ मैं तुम तो ये जानते हो ना कि एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट टेन नॉर्मल जीरो वन होता है तो वैसे यहाँ भी है एक्स बार प्लस वाई बार माइनस क्या माइनस है शायद ना सो कोई बात नहीं माइनस माइनस ले लो क्या दिक्कत है तो उस तरह से कन्वर्ट कर लो इसको बीच में अगर माइनस है तो कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन इसका क्या है वेरिएंस इसका वेरिएंस देखो क्या आता है सिग्मा स्क्वायर बाय एन प्लस सिग्मा स्क्वायर बाय एन ऐसा कुछ चेक करो तो वो आगे दे रखा है ना सिग्मा फाइव कैंसिल हो जाएगा ये नॉर्मल जीरो वन टाइप का हो जाएगा ठीक है यहाँ देखो प्लस लिया मैंने ओके तो इससे हो जाएगा ये करके देखो वो सिग्मा कैंसिल कर देगा फिर एन तुम्हारा आ जाएगा उसके रिलेशन से ठीक है तो बाकी अब क्लासेस कम एक्सपेक्ट करो खुद से तैयारी करो हाँ कुछ बोल रहे कोई 59 अभी और भी है तो क्या कह रहा है x1 x2 be a random sample of size 2 from distribution दे रखा आपको ये ओके एक्सपोनेंशियल विद मीन थीटा है और थीटा 2 है नल में और थीटा 1 है अल्टरनेटिव में इफ द ऑब्जर्वड वैल्यू ऑफ x1 x2 आर सच दैट आपको कह रहा है कि दिस इज लेस देन दिस क्या दिक्कत यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है लाइक्लीहुड एट दोनों एक साथ पूछ लिया क्या इन पावर ऑफ द टेस्ट ओके सर जो लास्ट में व्हेन एच नॉट इज फॉल्स उसका क्या मतलब है हाँ एच नॉट एच वन इज ट्रू तो एच पावर पावर का डेफिनेशन क्या होता है अच्छा रिजेक्टिंग इज नॉट व्हेन एच1 इज ट्रू रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच1 इज ट्रू मतलब एच नॉट इज फॉल्स हुई ना यस हां पावर के रिस्पेक्ट में वो स्टेटमेंट है हां लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑन एच नॉट इज फॉल्स सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू सो इट इज फॉल्स है तो वो सेम ही हो जाता है एक्चुअली साइज पावर के इक्वल हो जाता है जब एच नॉट फॉल्स होता है तो अच्छा सॉरी सर ट्रू होता है इट्स नॉट ट्रू है तो पावर साइज हो जाता है हाँ बोलो सर कहीं पर अगर अल्फा प्लस बीटा पूछा है हाँ तो हम टाइप वन एरर निकालेंगे टाइप टू एरर निकालेंगे फिर उन्हें ऐड कर देंगे मतलब वहां पर हम पावर नहीं यूज करेंगे ना बीटा के लिए वहां लिखा होगा अल्फा बीटा क्या है तुम्हें अज्यूम नहीं करना अपनी मर्जी से अगर अल्फा प्लस बीटा लिखा तो वहां उसी क्वेश्चन में लिखा होगा अल्फा का मीनिंग क्या है बीटा का मीनिंग क्या है कहीं बीटा टाइप टू एरर होता है कहीं बीटा प्रोबेबिलिटी होता है वो वहां लिखा होगा ओके सर अच्छा यहाँ पे क्या निकालना दोनों अलग अलग निकाल के देख लो क्या आता है ना 0.55 आता है वो दो क्वांटिटी अलग अलग दे रखा है मुझे लग रहा है वो सम भी नहीं पूछा एंड लगा दिया बीच में हाँ सर वही तो समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है तुम सिंपली लॉजिक लगाओ सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बनाया वहाँ भी दो चीज पूछा था यहाँ भी दो चीज पूछ लिया इसने उसको जब एनएटी कर रहा है एक ही पूछता ना उस क्वेश्चन में दो पूछा होगा
कि सिग्निफिकेंस एंड दोनों बताओ, फाइंड बोथ, तो वहां तो सब्जेक्टिव है, अब यहां ऑब्जेक्टिव में तो एक पूछते हैं ना, वो दोनों पूछ लिए एक साथ, कंफ्यूज हो जाएगा ना, तो ये बनाने वालों की गलती है। एक ही चीज पूछना था ना, दोनों तुम फाइंड कर लो, तुम्हें सीखना है ना कैसे फाइंड करना। ओके सर, तो 60 बार कर दी। A fair dice successively rolled and XY denote the number of rolls necessary for obtain a 6 and a 5. Achha, X hai, respectively hai, the number of rolls required to obtain the 6 or Y hai, number of rolls required to obtain a 6, a 5. So variance of X given Y barabar 1. तो बताओ भाई एक्स क्या फॉलो करेगा? सर ज्योमेट्रिक। यस, यू नो द नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस इज ज्योमेट्रिक, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट आरएथ सक्सेस इज नेगेटिव बाइनोमियल, तो ज्योमेट्रिक है, तो दोनों ज्योमेट्रिक है, तो लगाओ क्या दिखा था, y बराबर 1 दे दिया, तो 1 फर्स्ट रोल में ही आ गया, तुम्हें गिवन है, तो वेरिएंस ऑफ x गिवन y, बस x गिवन y का तुम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो। सर शायद यूनिफॉर्म होता है। अच्छा ये रिजल्ट भी है, यस, सो यूनिफॉर्म। इसका सर क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आया कि दोनों एक ही चीज फॉलो कर रहे हैं। हाँ बस एक में 6 एक में 5 है। हाँ से एंड ऑफ 5 लिखा हुआ है। हाँ तो वो रेस्पेक्टिवली लिख दिया ना आगे, x एंड y, सिक्स एंड फाइव, वही बात है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली मतलब है ना क्रमशः, सो एक्स के लिए फर्स्ट वाला, वाई के लिए दूसरा वाला, ठीक है। अच्छा ये थ्योरम कोई है ना कि ज्योमेट्रिक में है तो क्या होता है, एक्स गिवन वाई यूनिफॉर्म। अच्छा तो यूनिफॉर्म का वेरियंस कितना आता है फिर, यूनिफॉर्म विथ व्हाट, यहाँ पे तो डिस्क्रीट है ये एक्स वाई दोनों, सो वो एक्स वाई एक्स प्लस वाई यूनिफॉर्म फॉलो करता है। देखना पड़ेगा क्या थ्योरम है, यहाँ तो ओपन कर देख लो, कोई बात नहीं, तुम एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो फिर वाई इज गिवन, तो हम लोग मेथड जानते हैं ना, तो यू फाइंड द पीएमएफ व्हेन प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू 1, ये तुम निकालो है ना, और इसके बाद ये निकल गया तो इसका वेरिएंस पूछ रहा है तुमसे, सो फर्स्ट यू फाइंड दिस क्वांटिटी डिफरेंट एक्स के लिए, देखो क्या आता है, वैसे सर एक्स एंड वाई दोनों इंडिपेंडेंट ही है ना। इंडिपेंडेंट तो होगा, एक मिनट, इंडिपेंडेंट अगर होगा, एक मिनट, सो वी हैव टू सी, यहाँ है एक्स एंड वाई डिनोट, तो ये है कि एक ही डाई को रोल किया जा रहा है ना, तो एक ही डाई को रोल किया जा रहा है, तो फर्स्ट डाई पे अगर 5 आ गया तो क्या उस पे 6 आएगा, डिपेंड करेगा ये, इंडिपेंडेंट तो नहीं है क्योंकि 6 और 5, एक ही डाई पे ना एक्स बता रहा है कि नंबर ऑफ रोल necessary to get a 6 and y है number of rounds necessary to get a 5, तो पहले पर 5 आ गया है ना, तो x तो 1 हो गया, फिर y 1 नहीं होगा, तो depend कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर independent होता फिर वो खत्म हो जाता given वाला condition, सिर्फ variance of x, हाँ सर वो तो सीधा variance of x निकालना पड़ता है, but यहाँ पे depend कर रहा है, इसलिए आपको distribution निकाल के देखो x given y का, वो हमने देखा था जब हमने theory पढ़े होंगे या कोई भी book उठाओ, या आपको आता ही है कि पहले इसका distribution निकालो, फिर distribution आ गया तो मीन और वेरिएंस निकालो, x गिवन y इज इक्वल टू 1 इसका मीन, फिर वेरी ऑफ x स्क्वायर गिवन y इज इक्वल टू 1 ये फाइंड करो, फिर हो जाएगा। सर यहां पर अगर ज्योमेट्रिक फॉलो कर रहा है तो जैसे ज्योमेट्रिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है q की पावर x * p, हां हां हां, तो सर यहां पर x क्या कंसीडर करेंगे हम, तो यहां पे देखो क्या बोला है, एक नंबर ऑफ ट्रायल पूछ रहा है ना, सो एटलीस्ट 1 ट्रायल तो होगा, तो x 1 से स्टार्ट होगा, तो ये वाला होगा q की पावर x - 1 * p वाला होगा, दो केसेस है ना,
नेगेटिव बाइनोमियल में दो केसेस हैं, एक नंबर ऑफ ट्रायल काउंट कर रहा है, एक नंबर ऑफ फेलियर काउंट कर रहा है ना। तो फेलियर वाला जीरो से स्टार्ट होता है और ट्रायल वाला वन से स्टार्ट होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ ट्रायल है तो वन से स्टार्ट होगा, तो ये वाला पीएमएफ होगा। अब ट्राई करके देखो, ग्रुप में ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो तो बच्चों उसमें देखो, और नहीं हो रहा किसी से हेल्प लो। और अभी आप थोड़ा खुद से एनालाइज करो कितनी तैयारी है, कितनी करनी है, खुद से आप कोशिश करो जितना कर सकते हो। उसमें क्या है, प्रीवियस ईयर बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट आपने सबने कर ही रखा है उसको, बहुत एकदम एक एक क्वेश्चन तुम्हारे टिप पे होने चाहिए कि किस तरह करना है, कॉन्सेप्ट नॉट क्वेश्चन याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए है ना, कहीं कम्प्लीटनेस है, सफिशियंसी है, तो कैसे यूज हो रहा है एग्जाम में, या और भी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है कैसे यूज हो रहे हैं। सर जी क्वेश्चन नंबर 29 ओके, हाँ 29 सर, इसमें लेट से कि दोनों पीडीएफ ठीक है कि फर्स्ट वाला जैसे थोड़ा नॉर्मल जैसा दिख रहा है, इधर मानते हैं कि नॉर्मल है और सेकंड वाला कॉची है, तो सर इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। फर्स्ट देखो, दो पीडीएफ आपके पास है, अब ये पूछा है आपसे फीचर इंफॉर्मेशन, तो फीचर इंफॉर्मेशन का क्या डेफिनेशन है, कैसे रिफाइन करते हो आईथीटा को आप? सर लाइक्लीहुड लूंगी, देन उस पे डिफरेंशिएशन, और अगर लाइक्लीहुड नहीं लूंगी तो नॉर्मली पीडीएफ को लॉग लेकर फिर। ओके, तो इसमें क्या है कि जैसे हमारा क्या होता है, हम लोग देखते हैं सपोर्ट शुड डिपेंड ऑन थीटा, या अगर नहीं है उस तरह से तो वो निकालने के लिए शुड बी फ्री ऑफ थीटा। तो यहाँ थीटा के डिफरेंट केसेस के लिए पीडीएफ है, तो इसका कोई रेलिवेंस कुछ लग नहीं रहा, मतलब इसमें क्या है कि थीटा के डिफरेंट लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे फाइंड करोगे आप? सर मुझे वही कंफ्यूजन हो रहा है एक्चुअली कि इसमें दो दो थीटा के लिए डिफाइन कर दिया, तो मैं हाँ थीटा वेरिएबल रहेगा ही नहीं फिर, तो हमें थीटा का इसमें डिफरेंशिएट भी करना है, तो इसमें वेरिएबल रहा ही नहीं थीटा इसमें, और किसी पीडीएफ में नहीं दिया। सेकंड वाले पीडीएफ में सर x के आगे 2 दिया हुआ है, x2 वो x स्क्वायर एक्चुअली है, समहाउ वो कॉची का पीडीएफ बनाना चाह रहा था, तो एक्चुअली इस बार स्टार्ट से समझ बहुत सारी चीजें हैं तो इसलिए कुछ गलतियां रही होंगी, बट ठीक हो जाएगा नेक्स्ट टाइम पे फैकल्टी आ जाएगी। ठीक है चलो, बाकी प्रिपरेशन अपना है ना, देखो जो जो कमियां उसको करो, न्यू थ्योरीज नहीं प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो, रिवाइज करते रहो, यही है। ठीक है चलो, ऑलमोस्ट हो ही गया, बाकी आप लोग खुद से डिस्कस करो और एनालाइज करो प्रिपरेशन कितना है, क्या कमियां है उस पर काम करो, है ना, वही है अभी। ठीक है आज इतना ही रखता हूँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट आउट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट जी, गुड नाइट।